अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट श्रीराम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, कोरोना की वजह से हम डेली बात करते हैं, डेली आपको एहतियाती तदाबीर बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी देखने में आ रही है कि आप लोग उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, SOPs पे अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डेली केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। खुदारा घरों में रहिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए मास्क पहन के घरों से बाहर जाना। ये वैसे भी बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई सांस का मसला है, स्किन का प्रॉब्लम है, ये कोई भी इशू है, अगर आपने मास्क पहना होगा डस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ मिट्टी भी है, सब कुछ है, तो आप डस्ट से भी बच सकते हैं। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और इससे आप कोरोना जो है उससे बच सकते हैं, किसी हद तक बच सकते हैं। और आप कैरियर चूँकि होते हैं, अगर खुदा ना खासा आपको वायरस है, जर्म्स लग गए हैं, तो आपको क्या पता कि आपके छींकने से, बोलने से, आपके मुंह से ड्रॉप्स जो गिर रहे होते हैं वो किसी और को ना लग जाए, कोई और विक्टिम ना हो जाए, कोई और मुतासिर ना हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि तमाम लोग महफूज रहें, आप खुद भी महफूज रहें, तो इससे बेहतर है बजाय कि आप हॉस्पिटल जाएं, फिर आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाएं। वो कहते हैं ना जी, एहतियात बेहतर है इलाज से, तो घरों में रहिए और घरों से अगर बाहर जा रहे हैं जो SOPs बता दी गई हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो खुद एहतियात कीजिए। अब शॉपकीपर कितना आपको बार बार कहेगा कि जी डिस्टेंस रख के खड़े होइए, दूसरा जो कस्टमर है उसे थोड़ा दूर रहिए, आपने खुद रखना है, ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और इसके अलावा हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत एक कॉल है, मैं चाहूँगी आपसे शेयर किया जाए कि इंसान को जो अच्छी सोच पर जो इनाम मिलता है ना, वो उसको उसके अमाल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ हम जब कर रहे होते हैं, हम इंसान है ना, तो हमारी माइंड में कुछ आ जाता है, कहीं ना चाहते हुए भी दिखावा आ जाता है। अगर हम किसी को हेल्प कर रहे होते हैं या हम लोग किसी को कुछ दे रहे होते हैं, तो इसलिए फरमाया गया ना कि जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, डोनेट करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, तो उसकी आंखों की तरफ मत देखिए, अपनी आंखें झुका लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आंखों में, उनकी आंखों में देखने में आपके अंदर गरूर तकबर, और उनकी आंखों में देखने से उनकी आंखें झुक जाएँ और उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उनकी इज्जत नफ्स है, वो मजरू ना हो जाए। तो काइंडली अच्छी सोच रखिए। जब आप अच्छा सोचते हैं ना, तो अल्लाह उसका एक तो अजर देता है, दूसरा उसमें बहुत अच्छा आपको इनाम मिलता है। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप सोच अच्छा रहें कि अगर आज आपने सुबह सोच लिया है कि मुझे ये काम करना है, या मैं ये करना चाहती हूँ, या मैं किसी को हेल्प करना चाहती हूँ, किसी के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला इस पर भी आपको अजर देगा। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत छोटी, इसको अच्छे से गुजारिए। आज हम बहुत सी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्लाज्मा, क्योंकि अब जैसे सेहतयाब लोग हो रहे हैं, उनके प्लाज्मे जो प्लाज्मा है वो लग रहा है जो पेशेंट है उनको, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि प्लाज्मा मिल नहीं रहा, लोग डोनेट नहीं करना चाहते, लोग दे नहीं रहे, कुछ लोग डर गए हैं, शायद इस वजह से नहीं दे रहे। माजरत के साथ वहीं पे ये भी देखने में आया है कि कुछ लोग जो हैं वो सेल भी कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और अच्छी खासी अमाउंट ले रहे हैं। और इसके अलावा ब्लड का प्रॉब्लम आया थैलेसीमिया के पेशेंट में, क्योंकि जैसे ही कोरोना आया लोग डर के घरों से बाहर नहीं जा रहे थे। आपको पता है उनकी ज़िंदगी वो ब्लड है। अगर आप सेहतमंद हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ब्लड डोनेट कीजिए, इससे आपके जो अच्छे सेल्स हैं वो दोबारा बनते हैं, ना कि कम होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो काइंडली आपने ब्लड भी डोनेट करना है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा जो सोशल वर्कर है वो काफ़ी ज़्यादा काम करें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े डिप्रेस भी नज़र आते हैं, क्या वजह है, क्यों डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों उनका दिल जो है वो हर्ट करते हैं आप लोग, इस बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे, एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, और हमारी ज़बरदस्त जो आर्टिस्ट हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जब से कोरोना आया बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल अकाउंट भी बड़ा अपने एक्टिव हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, साथ साथ गाने भी सुनेंगे। हमारी सब बड़ी प्यारी से आज ज़बरदस्त एक मॉडल है, एक्ट्रेस भी हैं, कंटेंट राइटर भी है, ये बड़ी हैरत वाली बात है ना कि एक ज़बरदस्ती मॉडल होने के साथ साथ कंटेंट राइटर भी है। मैं वेलकम करना चाहूँगी आयशा महमूद का। आयशा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा जब आप स्टार्ट करते हो तो मुझे एक बहुत ही मज़े का एनर्जेटिक फील होता है, और वो जो पॉजिटिविटी आप फैला देते हो ना वो यहाँ पे
तो बहुत ही मजा आता है. और उम्मीद करती हूँ कि ये पॉजिटिविटी ऐसे ही आप कंटिन्यू इंशाल्लाह और आपका प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और लोगों को भी जो है ये पॉजिटिविटी पहुंचे और वो ये मैसेज गेन कर लें, क्योंकि इस वक्त हम लोगों को पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है. पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी. इनके साथ हर दिल अजीज हमारी बड़ी प्यारी सी मेहमान है और जबरदस्त एक्ट्रेस मॉडल. इन्होंने बेशुमार काम किया है फिल्म में और इन्होंने ड्रामे में, एड्स में, उसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी की और भी बहुत से शोज़ किए. जब आपका दिल करता है ना कि आप थोड़े डिप्रेस हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं खो रहे हैं, तो आप जब भी इनको गूगल करके देखेंगे या इनका कोई ड्रामा देखेंगे, इनका कोई भी शो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि क्या ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त बात करेंगी, इतना मोटिवेट करेंगी दूसरों को. मैं वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का, संतल नवाज़ साहिबा का. कैसी है मैम? बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफों से मुझे नवाजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी. मैम आप ऐसे काबिल हैं और अभी तो ये कोई तारीफ है ही नहीं. जरा थोड़ी सी, अभी पूरा शो पड़ा हुआ है, आप देखिएगा कि कितनी ज्यादा हम आपकी तारीफें करने वाले हैं. हमारे साथ बड़ी प्यारी सी एक जबरदस्त सी मेहमान मौजूद है. सोशल एक्टिविस्ट हैं, माशाल्लाह से 10 साल से काम कर रही हैं, बहुत से एनजीओ के साथ मुंसलिक हैं, बहुत से लोगों को हेल्प कर रही हैं. क्या क्या कर रही हैं ये हम डिटेल में आपको बताएंगे. मैं वेलकम करना चाहूंगी माईदा गफूर कियानी का. खुश आमदीद माईदा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच इरम इनविटेशन के लिए, फॉर योर काइंड वर्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और इनके साथ बड़े ज़बरदस्त से हमारे सिंगर मौजूद हैं जिनकी खूबसूरत सी आवाज़ में हम साथ साथ गाने भी सुनेंगे. मैं वेलकम करना चाहूँगी मोहम्मद काशिफ का. खुश आमदीद मोहम्मद काशिफ, आप खैरियत से हैं? जी हमने जैसे स्टार्ट किया, कोरोना की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने में आई है. कोई भी फील्ड हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप देख सकते हैं कि उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए था. संजय साहिबा, अब हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है. अब थोड़ा सा मसला देखने में आता है कि अब एक्टिंग तो ऑनलाइन ही ना हो सकती, कि आप घर में बैठ के अपना शॉर्ट रिकॉर्ड करवा दें, जो आयशा है वो अपने घर में कर ले और वो लोग हम लोग उसको एडिट करके दिखा देंगे. प्रॉब्लम ज़्यादा आर्टिस्ट को आई. अच्छा इरम, मैं पहले नंबर पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज ज़िंदगी है तो सब कुछ है जी. देखिए मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ, टीवी पे काम किया है बहुत किया, बट ये जो आज हमें जो सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, बट ये पहले आज तक हमने ना तो कभी सोचा था और ना ही हमारी कभी सोच में भी नहीं आया था कि हमारे पर ऐसा कोई वक्त भी आ सकता है. तो मैं इस वक्त ज़्यादा जो प्रेफर है, मैं नहीं काम को देरी, मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग अपनी केयर कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम दूसरों की भी केयर कर रहे हैं. अपने से ज़्यादा जब आप दूसरों का सोचते हैं तो हमारा रब जो है वो हमारे लिए सोचता है. तो कोशिश कीजिए जी कि आप हिफाजत जितनी भी हो सके दूसरों की कीजिए. जैसे ही आप दूसरों की हिफाजत करेंगे तो आप खुद ब खुद सेव हो जाएंगे. बिल्कुल. तो मैं आजकल जो रिकॉर्डिंग्स का है, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन तो नहीं हो सकता, ये तो एक प्रॉपर एक काम है जो हमें सेट पर जाके लोग मुंसलिक बिल्कुल उससे हो. अच्छा बीच में हम ऑन ऑफ कर भी रहे हैं. अच्छा जी, मेरी साथ साथ रिकॉर्डिंग चल भी रही है, ऑन ऑफ जो है हम कुछ बीच में गैप देकर रिकॉर्डिंग कर भी लेते हैं, पर एहतियात के साथ. आप देखते हैं कि जिस दिन करेक्टर एक दो होते हैं जी तो उनको बुला लेते हैं साथ. जो पहले जब 20 लोगों का स्टाफ होता था वहाँ पे 10 लोगों को कर लिया गया है. तो उसमें मतलब डिस्टेंस रख के जितना भी हो सके केयर कर रहे हैं और केयर के साथ साथ मतलब अच्छे तरीके से सेफ रह के जो आप काम कर सकते हैं. जैसे कि इरम ने स्टार्ट में बताया गाइस, मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने आप को सेफ कीजिए. सोचिए इस चीज़ के बारे में कि ये ज़िंदगी जो है रब की दी हुई नेमत है, अगर हम इसको गवा देंगे तो रब क्या कहेगा कि ये बंदा ये कितना नाशुक्रा था, मैंने इसको ज़िंदगी दी. ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती. कि अगर हम ये कहें कि हम मार्केट में से कुछ चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं, इधर से नहीं मिलेगी तो हम दूसरी मार्केट में चले जाएंगे. ये ज़िंदगी और ये दुनिया ये एक ही है. जिंदगी भी एक बार ही मिलेगी और ये दुनिया देखने का मौका भी इंसान को एक बार ही मिलता है. तो इसकी हिफाजत कीजिए. जैसे कि हम लोग कहते हैं जी कोई नहीं कोरोना, कोरोना तो नहीं है. अरे भाई है. आप क्यों कहते हैं कि नहीं है? है, जब एक चीज है तो मतलब है. आप आजकल मैं जो इरन देख रही हूँ लोगों में, वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन से रिश्तेदार को होता है तो मुझे यकीन आएगा. ट्रू यार, वल्ला ये आप लोग क्या करते हो, ऐसे नहीं करो.
खुदा ना खास्ता हमेशा दुश्मन के लिए भी दुआ करो कि या अल्लाह जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना उसको भी ये कोरोना नहीं ना हो। बिल्कुल नहीं सर, साहिबा जैसे आपने ये बात की है ना कि हम लोग उस वक्त यकीन करते हैं जब हमारे घर में खुदा ना खास्ता हमारे प्यारों में से किसी को होता है, फिर हमें होता है, फिर हम दूसरों को मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई ये है खुदा के लिए बच जाइए। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारे बहुत से करीबी लोगों में ये हुआ है, मेरी सोसाइटी में बहुत से लोगों को हुआ है, जब उनको हुआ है तो फिर जाके हमारी सोसाइटी के जो गार्ड्स थे उनको फिर बहुत हुआ है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये बूढ़ों पे ज्यादा कर रहा है या बच्चों पे कर रहा है, नहीं, ये किसी एज को नहीं देख रहा। जैसे कि लाइक जैसे डेंगू आया था जी, आपको पता है कि डेंगू ने किस कदर वो उससे अल्लाह भाई मचाई, मुझे खुद भी हुआ था। अच्छा, मुझे खुद भी डेंगू हुआ था। तो मैं बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये नहीं देखें ये फलां को नहीं होता या फलां को नहीं होता, हम लोगों में इतनी एनर्जी है, नहीं भाई, ये एक वबा है और ये किसी को भी हो सकती है। केयर करना हमारा काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह अतल्ला तभी रिकवर करके घर जा चुका है, और जब घर गया सबसे पहले उसने इंटर होते ही कॉल मुझे की, संदल तुम्हारी दुआएं बहुत लगी हैं मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में आ गया। मैंने कहा सबसे पहले सदका दो और दूसरे जल्दी से नफल पढ़ जाओ और सबके लिए दुआ करो, सबके लिए दुआ करो कि या अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। ये हम हमारी जो इरम, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारी अपनी गलती है, ये हमारे अपने अमाल हैं जो हमारे सामने आए हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हम लोग जो है दुनिया भूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ मसले होते हैं, लड़कियों के साथ ज्यादती होती है, हम किसी को नहीं देखते हैं। हम कहते हैं नहीं, कोई कहता है जी मैंने इतना अमीर हो जाना, उसको ये नहीं पता कि गरीब भी है। हम कहते हैं ना कि आप अपने नीचे वाले लोगों को देखें, कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि वो जो है वो ऊपर है, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे नीचे भी कोई है। जिस दिन हम अपने नीचे अपने देखना शुरू कर देंगे ना, तो हमारा रब जो है, मेरा ये बिलीव है, हमें इतना नवाजता है कि हमें कभी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप अपने अल्लाह पे इतना अकीदा इतना रख के आप कहते हो कि मुझे या रब मेरी मदद कर, हम क्या करते हैं, हम इंसानों की मदद मांगने के लिए भागते हैं। हम कहते हैं जी उससे मदद मांग ले, उसके या मेरी हेल्प कर दो, जो सबकी सबको देने वाला उसके आगे हम गिड़गिड़ाते नहीं। बिल्कुल सुपर पावर, आपने हर चीजें सब कुछ खत्म होगी, सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात, बाकी इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे संजय साहिबा बता रही थी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजड लोग जो हैं उनको ही होगा, जिनकी जो 40 प्लस है, ये यंगस्टर्स जो हैं उनको भी हो रहा है, आर्टिस्ट को भी बहुत से लोगों को हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से रिकवर करके अपने घरों में भी चले गए। और इंशाल्लाह अगर आपको स्टार्च में है, अपने डॉक्टर से रابطہ कीजिए, अपने आप को आइसोलेशन में रखिए, सेपरेट कर लीजिए अपनी फैमिली से, ताकि आपकी वजह से किसी और को ना लग जाए, ये बहुत जरूरी है। आयशा क्या चल रही है आजकल मसरूफियत, या फ्री हैं, ऑन एंड ऑफ काम कर रहे हैं? ऑन एंड ऑफ काम हो रहा है, इसके अलावा यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी उस तरह से नहीं हो रहा, व्लॉग्स वगैरह या और डिफरेंट चीजें, इंटरव्यूज वगैरह करती थी डिफरेंट एक्टर्स वगैरह के, तो वो अभी जरा काफी हद तक 90% कह लें कि अभी वो उस तरह नई चीजें हो रही है। खुद भी डर रही है जिन्होंने इंटरव्यूज देना, वो भी डर रहे हैं। एग्जैक्टली, ना हम कहीं जाके किसी का कर सकते, मतलब वो इंसान खुद फील करता है कि यार नहीं, इट्स नॉट सेफ, और सामने वालों भी जो है डिस्टर्ब हो। इसके अलावा भी एक वीडियो सॉन्ग जो है वो शूट किया है, लेकिन वहाँ पे भी वही सबने बहुत एहतियात। तो आयशा कहीं मास्क पहन के तो नहीं वीडियो शूट करवा लिया, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है। मैं एक मास्क पे, मुझे एक याद आ गई, मैं बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिसका नाउज़ बिल्ला जो मास्क को डिज़ाइन करें, या अल्लाह खुदा का खौफ खाओ यार, ये एक गलत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं बड़े से बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ, और आज मैंने कल देखा है कि एक एड चल रहा था और वहाँ पे जैसा ड्रेस है वैसा ही मास्क जो है सारा डिज़ाइन किया जा रहा है। ये मजाक क्यों हम कर रहे हैं पूरी दुनिया में? मुझे इतना बुरा लगा पूरी दुनिया में इस चीज को, इतना सीरियस लिया गया डिजाइनर्स का, हाँ इतना सीरियस लिया जा रहा है, और अल्लाह से माफी मांगी जा रही है, अपनी तौबा की, अपनी गलतियों की, कुताहियों की माफी मांग रहे पूरी दुनिया, और हम पाकिस्तान में क्या करें इसको डिजाइन बना रहे। यार हम क्या, कौन सी कौम है? फिर हम कहते हैं जी
हकूमत हमारी हेल्प करे, हकूमत ने आके हमारी जान नहीं बचानी, हमने अपनी जान खुद बचानी है भैया। हम लोग अगर एहतियात नहीं करेंगे, हकूमत एक एक बंदे को घर से ला के पकड़ के लेकर बंद तो नहीं कर सकती। आप मुझे ये बताइए, अभी लॉकडाउन हुआ, ठीक है, लोग कहते हैं जी हम भूखे मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। जब ईद आई थी तब आप लोगों को नहीं पता था कि हमें मार्केट्स में नहीं जाना, ये वबा है, इसने फैलना है, एक का मतलब मल्टीप्लाई करो 9 के साथ आप। बिल्कुल, तो आपने क्या अच्छा संदीप साहब, जैसे आप डेंगू का जिक्र कर रहे थे वो तो आपको था कि वो बाइट करेगा, तो आपकी वजह से किसी और को नहीं होगा, मुंतकिल नहीं होगा। लेकिन अब ये पता है कि आपके टच करने से, आपके खांसने से, आपके आपके फ्लू से किसी तरह से भी, जब ये न्यू मतलब ये जब आया था तो तब ज्यादा डर ये लगता था कि चलो खुद को तो हुआ, हर बीमारी मतलब खुद होती है तो आप खुद सफर करते हो, बट इसका ये था कि यार अगर हमें हमारी बेहतियाती की वजह से हमें हो गया तो इसका मतलब है फिर बाकी लोगों को होगा, जो कनेक्शन है तो ये बहुत जो है डर वाली बात। अभी तक यही चीज तो हम नहीं सोच रहे कि हमारी वजह से दूसरों को हो सकता है। एग्जैक्ट, अगर हम ये सोच लेंगे तो आप यकीन मानिए कि विद इन 15 डेज आपके सामने हम पहले ये और बड़ा अच्छा पहले ये तो मान ले कि कोरोना है, हम पहले ये तो मान ले कि कोरोना है, हम पहले हम ये कहते हैं कि है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भी है। हमारे साथ माहिदा भी मौजूद है। माहिदा, आप काफी ज्यादा काम कर रही है माशाल्लाह से, 10 साल से मुंसलिक हैं, डिफरेंट एनजीओ के साथ आप काम कर रही हैं। माहिदा, आप इतनी यंग है माशाल्लाह से, अब कोई ऐसी दिल में कोई बात आती है या आपके प्यारों के साथ कुछ ना कुछ होता है या कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर होती है जब आप सब कुछ छोड़ के इस काम की तरफ आते हैं, तो आप 10 साल से मतलब बहुत पहले से मुंसलिक है, क्या ऐसी वजह थी, क्या माइंड में ऐसी बात आई कि आपको लगा कि हाँ मुझे ये सारे काम छोड़ के अब ये वाले काम करने हैं? इरम, बेसिकली देखा जाए ना, फैमिली में किसी के साथ कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ था। लेट्स गो बैक टू 5th क्लास, जब मैं 5th क्लास में थी, आई वॉज इन आर्मी पब्लिक स्कूल आजम गैरिजन फॉर गर्ल्स। वहाँ पे उर्दू की बुक में ईद ही चैप्टर था, वो मैंने पढ़ा था, लाइक आई फील वो मुझे ना बहुत ज़्यादा, उसे मैंने फील करना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हो गई थी। मैं घर आई, मैंने अम्मी को बोला बस मैंने ईदी जैसा बनना है। और तभी मैंने क्या किया, मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उसे मैं यूटिलाइज करती थी SOS विलेज में। SOS जाती थी, वहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स लेके जाती थी स्कूल के साथ। देन 8th का आया था, उसके बाद फ्लड आया था, तब मैंने अपने स्कूल में 2 मिलियन कलेक्ट कर लिया था अकेले। देन आई थॉट कि मैं उस टाइम पे कर सकती हूँ, आगे क्यों नहीं कर सकती। फिर उसके बाद मैं अब्दुल सदा ईदी से भी मिली थी, उन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेंथ दी थी, तब मुझे अपने स्कूल का सोशल वर्क क्लब का मेंबर बनाया गया था, देन उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट ऑफ सोशल वर्क क्लब बना दिया था माशाल्लाह। देन मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई थी, ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ही मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है माहिदा, अगर बच्चों को स्टार्ट में ही अपने हीरोज के बारे में बता दिया जाए, जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बच्चे जितना जल्दी इंस्पायर या जितनी जल्दी फॉलो करना शुरू कर देते कोई और नहीं कर सकता। तो ये जरूरी होना चाहिए हमारे स्कूल्स में, आपको ये स्टोरीज बतानी चाहिए आपके टीचर्स को कि कौन कैसे काम करता है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, जो कि मिसिंग है, और ये बड़ा अफसोस की बात है जी। प्लीज, अभी जो है ना हमारी नॉर्म्स और हमारी चीज़ें, हम बिल्कुल एक ना हम गलत तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल गलत हो गई है। जब हम स्कूल में थे तो हमें मतलब हम बहुत इन चीज लाइक ईदी हो गए और जितने भी ऐसे चैप्टर हो, बुक रीडिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी। जब आप बुक पढ़ते हो ना हाथ में रख के, तो उसका एक फील भी आपको आता है, तो वो आप सीखते हो, समझते हो, और उस तरह की चीज़ें। अब क्या होता है, अब एक तो मोबाइल आ गया तो बुक से एक तो ताल्लुक ख़त्म हो गया, वो एक फील खत्म हो गया। हाँ। दूसरी बात ये कि गेम्स आ गई। अब वो गेम्स कैसी हैं, लाइक पबजी है, GTA है, और उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू लर्न मतलब। और वहाँ पे 10 साल से लेके बड़े लोग तक एडल्ट्स भी हैं और वो सब क्या खेल रहे हैं, सिर्फ मारदार है, चोरी है, ये वो है, एग्रेसिव हो रहे हैं लोग, एग्रेशन ज्यादा, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, और बच्चे इतने मतलब लाइक दे आर जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज मतलब। अभी तो लॉकडाउन में और ज्यादा हो गया है कि लोग ना 12-12 13-13 14-14 घंटे खेल रहे हैं, और मतलब मेरे सामने कई ऐसे फैमिलीज हैं वो बताते हैं, और मुझे लाइक ये एडिक्शन है, और विच इज़ वेरी बैड। या
ऐसा नहीं होना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उस ज़माने में, क्योंकि हमारे पास उस वक्त ना एक अच्छे वो थी, टीचर्स भी थे और ये सब चीज़ें, और हमारे पास जो बुक्स, हम बुक रीडिंग करते थे, स्टोरीज पढ़ते थे बच्चों की, दुनिया बच्चों की बातों, तो उनमें बहुत ज़्यादा ना ऐसी चीज़ें बताई जाती थी जो मैगजीन आते थे एग्जैक्टली उसमें, तो हम और उसमें बहुत मॉरल स्टोरीज होती थी और हर बच्चा जो है ना हमें एक इंस्पिरेशन, हमने अच्छा करना है, एग्जैक्टली तलाश करें, उससे ना हमें लगता था कि उस वक्त लगता था कि शायद कोई समझ में आ रही, लेकिन उसकी वजह से आपका माइंड इतना एक्टिव होता था कि अच्छा मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं कहाँ कहाँ से निकल, मुझे याद है ये सारी मॉरल स्टोरीज पढ़ने की वजह से, जब हम मतलब लाइक आई वाज किड, तो वो रास्ते से पत्थर हटाना या कुछ इस तरह करना, कोई बुजुर्ग गुजर रहे हैं तो उनका हाथ, अब वो हम ना, हमारा अपना कसूर है कि हम लोगों ने अपने जो अब आगे आने वाली जनरेशन है उनको ये सब चीजें हम दे ही नहीं रहे हैं, हम उनको पता नहीं एक अजीब सा ना एक वो रोबोट बना रहे हैं, इंसानियत क्यों ऐसे खत्म होती जा रही है क्योंकि फील नहीं रहा हम वो जो पत्थर हटाना ये वाला, आप जो चीज करते थे क्योंकि जब हम बच्चे थे ना, तो आप कोई भी बच्चा होता है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है ना, आज भी बच्चे हैं दिल तो एक्चुअली पता है क्या, वो आपकी माइंड में रह जाता था कि मैंने फला जगह पढ़ा, जैसे इन्होंने पत्थर हटाने वाली बात की ना, तो वो मेरे भी माइंड में हमेशा रहती थी कि इससे अजर मिलता है, इससे सवाल मिलता है। पहले तो मैं सबसे पहले बात, सॉरी आपका नाम माइदा हाँ माइदा, ओके बहुत अच्छा लगा आज, देखिए माशाल्लाह एक ऐसे इंसान का आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जिसको अल्लाह ने एक खास इंसान, क्या बात है, वो कुछ नहीं थे पर अल्लाह जो है ना हर इंसान, पूरे ये 10-20 लोग बैठे होंगे ना, उसमें से एक या दो इंसान चुने जाते हैं, सबके सब नहीं, क्या बात, अगर ईदी साहब ने जो किया वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक ईदी साहब का नाम रहेगा, ठीक है। अब उनके बेटे आए हैं पर शायद वो भी कर रहे हैं माशाल्लाह, वो भी काम अपने तरीके से, हर बंदा काम करता है, ईदी साहब की जगह शायद कोई नहीं ले सकता चाहे कोई भी आ जाए, जैसे कि आपने अपनी बात बताई कि आपकी फैमिली में कोई नहीं था, तो आपको अल्लाह ने किसी टाइम किसी जगह पे आपने कुछ सोचा होगा, किसी इंसान के लिए सोचा होगा, तो रब ने कहा कि नहीं ये बंदा है जिसके दिल के अंदर कुछ है, तो इसको पकड़ो इधर से और इसको जाके उधर छोड़ दो, अब इसका काम है क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बचपन की बात आपको बताती हूँ कि जैसे जी बिल्कुल आपकी बचपन की बात हम सुनेंगे, यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से बाद हम सुनेंगे संदन की बचपन की बातें। बैग जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक से पहले हमें संदल साहिबा बता रही थी अपनी बचपन की कुछ प्यारी प्यारी बातें, बचपन कैसा गुजरा क्या बताना चाह रही थी, क्या क्या पढ़ा, किनसे ज्यादा इंस्पायर हुई, किसे फॉलो कर रही थी आप? मैं इरम, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बचपन की और आज के बच्चों में और हमारे में क्या फर्क था, मैं ये बताना चाहती यार, हम लोग जब थे हम आज के बच्चों से बहुत ज्यादा मासूम थे, आज के बच्चे मासूम नहीं हैं जी, उनको सब कुछ पता है, क्यों कि उनके हाथ में मोबाइल है, हाँ उनके हाथ में गूगल है, वो उनको कुछ भी, 2 साल के बच्चा जो यूट्यूब पे जाकर गेम खुद से लगा लेता है या हर चीज वो खुद प्ले कर लेता है, तो हम मासूम बच्चे क्या करते थे, हम लोग शरारतें करते थे। एक बार का मैं वाक्य बताने लगी, अपनी मासूमियत बताने लगी कि हम 2-3 दोस्त थे गली मोहल्ले के जितने भी थे लड़के, आज लड़के लड़कियां जो हैं उनको जब भी देखो कुछ ना कुछ गलत ही सिस्टम सामने आता है। हम लोग जब थे उस वक्त कोई पता नहीं था, जो किसी के पास बैठा है किसी के घर जाके सो जाते थे, कोई इशू नहीं होता था। एक हमने देखा कि पोतगी हुई है और उधर देखा कि वो जो मतलब नलाया दफनाया वो सब कुछ हो गया हमारे पास, और वो गिटकें पड़ी हैं उन्होंने सारा पढ़ने में, हाँ जी कुल हुए ये सारी चीजें। अब 4-5 बच्चे हैं हमारे पास, एक खरगोश था, हाँ वो खरगोश जो है ना वो मर गया, दो ओ। मर कैसे गया, गरीब का बच्चा, किसी ने इधर पकड़ा हुआ किसी ने इधर, मदोल करना उसको मार दिया, उसकी माँ उसको मार ही दिया, ये हम हैं, हमारा मासूमियत ये थी कि हम बच्चे प्यार इतना किया कि मार दिया, और कहते ये वैसे नहीं मरता इसको प्यार से मार दो, प्यार से मार दिया। अब हमने कहा कि ये क्या करना है, इरम हम लोगों ने सोचा बैठे, हमने घर में से कपड़े लेकर आए, अपने अपने घर से चोरी किए, उसको उसके बीच में कवर किया, फिर एक दूसरे के साथ गले लग लग के रोए सब
चादर बिछाई ना, हमने चादर बिछाई, उसको दरमियान में रखा और एक दूसरे के गले लग के, हाँ गले लग के रोए। और सुनिए बड़ी मजे का वाक्य, छोटा सा एक वाक्य ये, रोए हैं हम, रोने के बाद जो है ना हम उसको दफनाने के लिए गए, दफना के आए, दफना के आके फिर हमने क्या किया, मुझे वो एक तो होते थे ना गिटके, वो गिटके नहीं थी, कुछ और ही चीजें थी, चने के वो ऐसे, जी जी। हम वो लेकर आए, हमने चादर बिछा के सारे बच्चों घर घर में जाके कहा कि हमारे घर पढ़ने के लिए आए, गली के बीच में चादर बिछा के वो गिटके पड़ी हैं, फिर घर में से सालन और रोट चावल जो है ना लेकर आए, लेकर आके उधर सबको बांट के दिए। दूसरे दिन हमने उसके कुल भी किए, अगरबत्ती जो है वो जाकर उधर जला कर आए और रोते रहे कि सारे हमारे, कि मतलब इतने इनोसेंट थे हम। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये बात करने का असल मकसद जो था मेरा वो ये था कि आज के माँ बाप जो हैं बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, वो छोड़ देते हैं स्कूलिंग पे, बस जिसको इंग्लिश आ जाए नॉलेज, उस बच्चे को उसके पास कुछ नहीं कुछ है, नहीं है, उसको इंग्लिश आएगी, वो उसको लैपटॉप यूज करना है, उसको मोबाइल यूज करना है, दैट्स इट। हमारे घर में जब हम छोटे थे हमारी माँ सबसे पहले ये कहती थी सुबह उठ के कि कुरान पाक पढ़ने के लिए जाओ। आज बच्चे सुबह उठते गेम खेलते हैं, माँ को अपना वो उठेंगी फेसबुक यूज कर लेंगी, ट्विटर यूज कर लेंगी, उनको ये पता नहीं है कि बच्चे ने क्या करना है। घर में एक मुलाजिम दो तीन रख दी गई है कि ये बच्चा आपने केयर करनी, इसकी माँ नहीं कर रही। हमारी परवरिश जो है आपकी मेरी आप हम सब की, हमारी माँ ने की, क्योंकि माँ पहली दर्ज का है। हाँ। और वो पहली दर्ज का ही आज के बच्चों को, हमारे आज के बच्चों को दीन का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, उनको दीनी दुनिया का नहीं पता। उनको ये पूछ लो कि गोरस्तान में क्या हो रहा है तो बोरिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब पता है उनको, दीन की दुनिया का नहीं पता। तो आज हालात हमारे सामने ये क्यों ना आए कि अल्लाह हमें पांच वक्त बुलाता है, जिसके घर में जिसके बड़े ही नहीं उस दर पे जाएंगे, सजदा नहीं करेंगे तो उस घर के बच्चे क्या। बिल्कुल, आप फॉलो करते हैं ना आपके बच्चे, आपके बड़ों को। आयशा आपने तो कोई इस तरह का कोई वाकया है आपके बचपन का जैसे मैंने बताया? बहुत है, मैं वही तो बता रही थी कि ऐसा बिल्कुल, मुझे ना चूजे रखने का बहुत शौक था, कलर वाले, येलो कलर वाले, येलो ग्रीन, सब कलर ये उतर जाता था ना तो उड़ाने के बाद बड़ा दुख भी होता। और जो है ना, और मुझे मछलियां रखने का बहुत शौक था, एक्वेरियम वगैरह, तो ना वो चूजे बेचारे वही वाली बात के इतना प्यार करना कि प्यार ही मार ऐसे लटक जाती थी। अब वो चूजे ने मर जाना, अब वो चूज मतलब वो ही इतना रोना, फिर उसकी कब्र खोदना, उसे दफनाना, फिर फूल डालने, अगरबत्तियां, और फिर अफसोस करना आपस में दोस्तों में। तो मैंने कहा ये सो रिलेटेबल के वो बचपन की बचपन, जो हम लोगों का बचपन है वो ऑलमोस्ट गेम सेम हुआ करती थी, ऑप्शन ज्यादा नहीं थी ना, यही गेम्स थी, चूजो वाली, नीले पीले, ग्रीन और प्रैक्टिकल बेबी बाजी थी, वो बच्चों को इकट्ठा करती थी शाम के टाइम पे, मतलब जैसे ही शाम होनी है उन्होंने रेडी गो जो है ना वो खिलवाना है। ये जो बीबी बाजी होती है ना, ये हम सब के मोहल्ले में, हर मोहल्ले, हर फैमिली में बचपन में, माइदा आपके बचपन में कोई बीबी बाजी ऐसी थी जो आप सबको इकट्ठा करके एक बार अपने घर के काम भी करवा लेती थी बाहर से, बाहर के कि बेटा ये चीज भी ला दो, ये भी ला, और मैं आपके साथ शाम में खेलूंगी, या हमें ज्यादा लालच दिया जाता था मेकअप करूंगी आपको। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोशल किसी और डिफरेंट वे में थी, इस तरह मैं सोशल नहीं थी। बचपन बिल्कुल बचपन बिल्कुल आया था, लेकिन आई वॉज नॉट सो मच सोशल के खेलते वगैरह था, लेकिन मैं दूसरे काम में ज्यादा सोशल थी, किसी की हेल्प कर देना। अच्छा जब भी यार, वो तो मैंने भी बड़ी की चोरियां कर करके घर से, सच। एक बार तो मेरा दादा की मैंने ना पॉकेट में से 10 रुपए निकाले, और किस्मत मेरी बुरी, देखो मेरे दादा उसी दिन मर गए। कि माफी का मौका भी ना मिला, माफी भी नहीं, आज तक मैं पछता रही। क्या मेरे दादा जो थे ना वो कुछ भी नहीं खाते थे, वो गाजर का मुरब्बा जो है ना सिर्फ उनको नाश्ते में वो दिया जाता था, तो जो बच्चा भी उसको उनको खिलाता था उनको 2 रुपए 3 रुपए मतलब 5 रुपए तक उसको मिलते थे। उस दिन मुझे क्या पता था दादा ने आज ही मर जाना है, मैंने दिल में ना एक लालच आया, मैंने कहा आज हमने पता नहीं कहीं जाना था, बच्चों ने ना सब जमा कर, तो मैंने सोचा दादा के पैसे सामने पड़े हैं तो उठा लेती हूँ, पता नहीं ये देता है मुझे बाद में कि नहीं देता। मैंने जल्दी जल्दी वो मुरब्बा जो है ना काट के दादा के मुंह में ना वो उनको खिलाना पड़ता था, तो खिलाया, और नज़र मेरी सामने पैसों के ऊपर थी,
मैंने कहा ये कब उठाऊंगी मैं दादा, फटाफट खाए और मैं आराम से निकाल के चली जाऊँ। यार मैंने दादा को मुरब्बा खिलाया, खिलाने के बाद वो 10 रुपये आराम से उठाए और चली गई। हम लोग पार्क में चले गए, उधर जाके हाँ मुझे याद है हमने झूले लेने के लिए जाना, झूले लेने के लिए 10 रुपये चोरी कर ली। तो बाद में ना एक बच्चा आया, कहता कि है ना जल्दी आओ घर में ना आपके ना दादा अबू की डेथ होगी। मैंने कहा है दादा अबू, अभी तो मैं मुरब्बा खिला के आई हूँ। हाँ मैंने यही बताने लगी, मैंने कहा है मैंने दादा के पैसे उठाए इसलिए तो नहीं मर गया दादा। भाई मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, मैंने आज टीवी चैनल पे सबको बता दिया भाई मैंने ये की तो मेरा दादा लगता मुझे इसी तरह। यार देखिए ऐसी चीजें होती है बचपन में, लेकिन एक चीज है, लेकिन संतोष साहब एक चीज है, हमारी माइंड हम बहुत सेंसिटिव लोग थे, हमें फौरन से रियलाइज हो जाता था माइंड में फौरन गलत 10-12 साल की होंगी, 8-9-10 साल की होंगी, तो अभी तक मुझे ये बात याद है कि यार उसकी वजह वही मैंने बताई ना कि अब जैसे चूजे हो गए, खरगोश हो गया, ये ऐसी चीजें, ये एक लिविंग थिंग्स थी, इनके साथ फीलिंग्स अटैच थी। अब गेम खेलते हैं बच्चे तो वो वर्चुअल एक चीज है और उसका कोई रियलिटी, तो इसीलिए फीलिंग लेस और ह्यूमैनिटी जो है ना वो खत्म होती जा रही है। आज के बच्चों का क्या स्टाइल है, मम्मा पापा कोई पूछेगा नहीं बच्चों के सर देखना कैसे पड़े। हाँ बिल्कुल इसी स्टाइल में बैठे रहती है सारा दिन। ट्रू और ये पबजी की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगे लोगों में, मैंने बहुत से बच्चों को देखा अपनी फैमिली में, एक दो लोग ऐसे थे जो 12-12 घंटे मुझे माइग्रेन खेलते थे, उनका पैकेज अगर खुदा ना खासा खत्म हो गया ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। मुझे हुआ कैंडी क्रश की वजह से मुझे माइग्रेन हुआ था। मैं यहाँ पे ये बात जरूर शेयर करना चाहूंगी, 24 आवर्स जो है ना मुझे नजर नहीं आया था कुछ, इतना बुरा। मैं रिकॉर्डिंग से वापस आई थी, मुझे अभी तक याद है तकरीबन कोई 11 बजे मैं रिकॉर्डिंग से वापस आई, तो मेरा वो एक लेवल जो था ना वो नहीं कंप्लीट हो रहा था। मैं घर आई हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं सोफे के ऊपर ऐसे लेट के, तो मैं ना लगी पड़ी एकदम से, मुझे ना यहाँ पे टीस उठी एकदम से, मैंने ऐसे किया तो मुझे ना मोबाइल नजर नहीं आ रहा, मैंने अपनी बाजी को आवाज देना शुरू कर दी, मैंने कहा जल्दी आए। कहती क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, ये मैं सीरियस बता रही हूँ आपको, ये कैंडी क्रश की वजह से मुझे ऐसा होता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बाजी को कह रही हूँ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहती है ना ऐसे ड्रामे कर रही हो, उनको पता है मैं मजाक करती हूँ ना। मैंने कहा मैं सीरियस बता रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहती सो जाओ, आपको ना नींद आई हुई सुबह से आप उठी हुई। मैं जब उठी हूँ तो मुझे इस कदर मतलब इतना नजर धुंधला नजर आता कि कुछ है, क्योंकि आप सुबह से मसरूफ थी शूटिंग पे, वहाँ पे लाइट बुरा हुआ था मुझे कि मैं बता नहीं सकती। और मैं उस दिन के बाद आज तक मैंने दोबारा गेम नहीं खेला। और इसकी रीजन ये भी होती है क्योंकि आप जब शूट पे होते हैं ना आपकी लाइट्स इतनी ज्यादा होती है, वो प्रॉब्लम हो, काम प्रेशर इतना ज्यादा होता है, फिर आप फोन पे और मुसलसल एक चीज देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे इसको कंप्लीट करना है किसी तरह से। लाइट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली। माइदा आजकल कोरोना में जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला कि प्लाज्मा जो सेहजात लोग हो रहे हैं उनका प्लाज्मा लगने से किसी हद तक लोग ठीक हो रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा लोग रिकवर करे, वहीं पे प्रॉब्लम्स देखने आई, लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे, नहीं दे रहे। आप काफी ज्यादा राबता करती हो लोगों के साथ, काफी मुंसलिक हैं लोग आपके साथ, मेन रीजन क्या है, क्या डर है, कोई खौफ है कि हम कहीं दोबारा बीमार ना हो जाए, या इसके अलावा कोई वजह है? सबसे पहले आज जैसे ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी ना, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। हाँ जी, लोग ब्लड डोनेट करने नहीं जा रहे थे क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाने से डर लग रहा था। थैलेसीमिया वाले बच्चों को काफी ज्यादा अफेक्ट किया जाया था। हाँ, और अभी भी अफेक्ट हुआ है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा ये था कि हमने अगले बंदे को कन्विंस करना है, किस तरह से कन्विंस करना है ये हमारे ऊपर था। हम लोगों ने सबको कन्विंसिंग करना स्टार्ट किया, अवेयरनेस स्टार्ट की, सबसे ज्यादा फीमेल्स ने कहा कि आप हमारे से ब्लड ले लें। फिर हमने कुछ इस तरीके से रिसोर्स बना लिया था कि लोग घर पर आकर ब्लड लेके जा रहे थे। अदर दिन इस काफ़ी अरसे से हम लोग ब्लड अरेंजमेंट का काम कर रहे हैं, तो ब्लड के ऊपर हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लाइक काफ़ी इजीली हम लोग कन्विंस कर लेते थे, कोई इशू नहीं आया। लेकिन बात आ जाती है प्लाज्मा पर। एक डोनर 2 पेशेंट्स को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन रिकवर्ड हुए रिसेंटली अब दोबारा हॉस्पिटल प्लाज्मा देने के लिए जाएगा, ऑब्वियसली डर है। लेकिन उनके डीप डाउन ये होता है कि अगले बंदे की जान तो बचेगी, क्योंकि प्लाज्मा
के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जिससे अगले बंदे के वायरस खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज द मेन रीजन। और लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, रेयर लोगों की होगी, जैसे मैंने एक फैमिली को कन्विंस किया आप ब्लड दे प्लाज्मा दे दें, उन्हें कहा मैं और मेरे बाबा दे देंगे, फीमेल थी, लेकिन 50,000 रुपीज़ लेंगे, 50,000 रुपीज़ लेंगे। उन्होंने हमें कहा, हमने कहा चले ठीक है हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं, हमें डोनर्स मिल गए। एक डोनर जैसे उनके प्लाज्मा दोबारा रिकवर हो जाते हैं वो दोबारा ब्लड देने चले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर कोई रिकवर हो जाता है इंशाल्लाह तो उसके बाद वो दो पेशेंट को दे सकता है अपना प्लाज्मा। अच्छा कितनी देर के बाद, फॉर एग्जाम्पल आज आप रिकवर किए, क्या अगले दिन आप प्लाज्मा दे सकते हैं या कुछ टाइम आपको चाहिए होता है उसके बाद एंटीबॉडीज जब बनती है? मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 14 डेज होते हैं, और फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं कि अब ये एलिजिबल हैं दोबारा देने के लिए। कुछ मतलब अपनी हेल्थ की, कुछ अपनी डाइट की वजह से नहीं दे पाते, कुछ डाइट का ख्याल नहीं रखते, लेकिन कुछ दे सकते हैं। अच्छा मायदा, ये जैसे आपने जिक्र किया कि एक फैमिली ने डिमांड कर दी कुछ अमाउंट की कि आप हमें दें तो हम दे सकते हैं, कुछ ये इस वजह से तो नहीं शुरू हो गया क्योंकि जो मुखय्यर हजरात थे जिनकी फैमिली में कुछ लोगों को हुआ था तो वो तो बार बार डिमांड कर रहे थे कि जी पैसे ले लीजिए जितने आपको चाहिए हमें प्लाज्मा दीजिए, तो लोगों ने लालच करके हर किसी से डिमांड करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो भी इफेक्ट हुए। ऐसे हुआ था, लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिए थे। मेरे पास काफी फैमिलीज हैं, दे वर लाइक आप पैसे ले ले, जितने पैसे ले ले प्लाज्मा दे दे। आई वाज लाइक ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसे देंगे प्लाज्मा लेने, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट हो जाए। अगर आपने मुझे अपना केस देना है पैसों की बात ना कीजिए, अब बस मुझे अपना केस भेजिए, आगे हमारा काम है। इवन एक सीन हुआ था, यहाँ पे हमारे पास बी नेगेटिव का डोनर मौजूद था, इस्लामाबाद में बी नेगेटिव प्लाज्मा चाहिए था, जॉब से फ्री होकर वो मोटरवे पे ही था और उसके पास कोई पैसे नहीं थे, हमने उसको पैसे दिए और गाड़ी करवा के दी, लेकिन कॉल आ गई पेशेंट की डेथ हो गई, तो वो आधे रास्ते से वापस आ गया। इस तरह के सीन्स काफ़ी ज़्यादा हुए। सही हो गया मायदा, जैसे आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन मायदा दूसरी तरफ जो अटेंडेंट है पेशेंट के साथ जो होते हैं, समटाइम उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो इतना पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि कुछ दिनों से मैं भी प्लाज्मा के लिए बहुत से लोगों से रब्ता करती हूँ, तो आप लोग इतने कॉन्शियस होते हैं जो लोग हेल्प कर रहे होते हैं कि प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिएगा, यहाँ पहुँच जाइए, यहाँ से किसी को पिक कर लीजिए, बहुत से लोग इसको भी बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, शायद इस वजह से भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो गई। इनम अगर देखा जाए ना, एक अटेंडेंट ने अपना जो केस होता है ना हर जगह वायरल किया होता है, मैं अगर उनसे कॉल करके कंफर्मेशन लेती हूँ दे विल बी लाइक जी जी मुझे ब्लड चाहिए, कोई और टीम मेंबर ले रहे हैं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, जी जी मुझे ब्लड चाहिए, मेरी साइड से भी उनको ब्लड चला जाएगा, दूसरी साइड से भी उनको चला जाएगा, वो बहुत पैनिक होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ अटेंडेंट्स नहीं होते, कुछ थर्ड पर्सन होते हैं और वो कहते हैं जी जी अच्छा मैं पूछ के बता देता हूँ, तो हम लोग प्रायोरिटी यही देते हैं कि जो अटेंडेंट होते हैं जो हॉस्पिटल से होते हैं हमारे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट उनके साथ उन्हीं से हो, ताकि हमें कोई इशू ना हो उनको भी कोई इशू ना, ताकि जब जी प्लीज। यहाँ पे एक और बात भी मेरे माइंड में आ रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं ये भी शेयर करूँ कि जैसे कि अभी आज हम कोरोना पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो लोगों के माइंड में ये एक खौफ बैठा हुआ है जो टेस्ट और जो ये चीज़ छुपा रहे हैं कि शायद कोई भी इससे बचता नहीं है। हाँ जी, तो हमारे शायद चैनल्स पे बहुत कम तादाद जो है वो बताई जा रही है या नहीं बताया जा रहा, बट ये है कि 100 में से 80% लोग जो हैं, 85% लोग जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल। और 7% या 6% ऐसे लोग हैं कि जो मतलब कि अल्लाह के पास जा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि वो सिर्फ कोरोना ही उनके ऊपर अफेक्ट नहीं कर रहा, और भी सो बीमारियाँ भी होती हैं और बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बीमार है तो उसको छुपाया जा रहा है घर पे कि नहीं इसको जाके नहीं ये तो मर जाएगा, नहीं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी है तो ये कोरोना हमें कुछ नहीं कहेगा, अगर हमारी जिंदगी नहीं है तो एक पल भी नहीं लगेगा। और ऐसे आपने जिक्र किया कि छुपाया जा रहा है, उस वजह से ना आप कैरियर बन रहे हैं ना दूसरों को, क्योंकि आप छुपा रहे हैं और वो जो आपसे मिलने वाले लोग हैं घर वाले वो भी आराम से फिर रहे हैं, तो इसकी रीजन ये भी देखने में आई है कि लोग डर चुके हैं क्योंकि वासा चौधरी को भी आपको पता है। हाँ जी, वो हुआ जी। आयूब खावर साहब को भी हुआ, मैंने उनको कॉल की, मैंने रात मुझे पता चला। हाँ तो मैंने कॉल की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर जी क्या हाल चाल है, ठीक है, मैंने कहा ये क्या मैंने सुना है, कहता हाँ संदल मुझे और वासे को दोनों को हुआ है, तो मैंने कहा सर आप लोग तो इतनी केयर कर रहे हैं तो आपको कैसे हो गया, कहता बेटा मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा ये आपको पता नहीं चला ये हो ही नहीं सकता, कहते हैं जी कुछ गेस्ट आए हैं जो उन्होंने मुझे जो बताया उन्होंने कहा कि उनमें से किसी को था, पर मैंने कहा आप उनको पकड़े जाके,
कहते पागल मुझे ये बताओ कि अगर उन्होंने बताना होता तो वो छुपाते नहीं। हाँ बिल्कुल, अब उनकी वजह से, उनकी वजह से कितने लोगों को ये हुआ। एग्जैक्टली, अगर आपको है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तो पता है ना, अब ये मैं आपसे छुपा सकती हूँ, आपसे छुपा सकती हूँ, वो जो ऊपर बैठा उससे नहीं छुपा सकती। बिल्कुल, लोग डर रहे। और दूसरा एक अजीब गलत स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया पे, ब्लड की जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग, के एक वक्त ऐसा भी था कि लोग अगर किसी को ब्लड देते थे तो कहते थे कि उसके साथ इसका खून का रिश्ता हो गया। हाँ, और पूरी जिंदगी एक टाइम तक जब तक जिंदगी रहती उन लोगों का एक रिलेशन बन जाता है। वो आज के आज ब्लड बेच रहे हैं, आज प्लाज्मा, अगर किसी की जिंदगी, अगर किसी की आप बचा सकते हो तो इससे बड़ी अल्लाह ने आपको और क्या, आपके लिए खुशी की बात है कि अल्लाह ने आपकी एक इतनी बड़ी नेकी का आपको मौत से इतने करीब से आप वापस आते हैं ना, उसके बावजूद आप उसके बावजूद आप ये सोच रहे हैं। मैं तो कुछ कहना चाह रही थी यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर चीज का हम लोग सदका देते हैं ना, तो बॉडी का का खून देकर होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन बिल्कुल बनते हैं। एक डोनर था, वो ब्लड देने गया किसी अननोन को, और वो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते थे। एक साल हो गया, वो अपने गांव की ना जो स्पेशल चीजें होती है ना, घी हो गया, साग हो गया, हर चीज उनको भिजवाते हैं। क्या बात है, टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ केयर है। बिल्कुल, वो इंसान जिंदा रहेगा, आपको उसका सवाब मिलेगा। और अगर आप उसके बदले, उस नेकी के बदले उसको खरीद लो, मतलब लाइक वो जो तो वो नेकी है, नेकी नहीं, वो किसकी देना यार, वो तो अल्लाह ने दिया है, आपको उस पे क्या इख्तियार है। अगर वो अभी चाहे आपका मतलब ना रहे तो कौन, सबसे ज्यादा अफसोस प्लाज्मा की वजह से हो रहा है कि जब आपको ये पता चल रहा है कि किसी की जिंदगी आपकी वजह से बच रही, बेशक अल्लाह जिंदगी देने वाला है, वसीला अल्लाह ने बना दिया ना आपको कि अगर आपका ब्लड या आपका प्लाज्मा लगेगा तो उसकी वजह से वो ठीक हो सकता है। तो आपको तो खुशी खुशी राबता करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है और मैं वसीला बन रहा हूँ किसी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी देनी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला वसीले बना देता है ना हम सबको। यासर नवाज है, वो भी जैसे उन्होंने सबसे पहले यही काम किया है, और ये अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने फेस किया है, उन्होंने, उनको पता है ये तकलीफ कैसी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से कोई एक इंसान या दो इंसान इस तकलीफ से बच सकते हैं तो मेरे लिए इससे और खुशी की बात नहीं है कि मुझे अल्लाह ने मेरे, मुझे एक तकलीफ देकर मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। और वो क्यों बताया है कि अल्लाह पहले बता रहा है कि ये देख, ये तकलीफ इतनी है, इतनी है। अगर तुम दूसरों की महसूस करोगे तकलीफ तो मैं तुम्हारी तकलीफ काटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, दूसरों की तकलीफ जो है अपनी तकलीफ जब समझते हो तभी सही समझते हो। माइदा, अभी अभी आप लोगों के जो ग्रुप है, जो आप लोग एक सर्कल आपने बनाया हुआ है, जो एक दूसरे को रابطہ करके प्लाज्मा दे रहे हैं, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? लोग अब थोड़े विलिंग हुए हैं देने के लिए, अभी भी थोड़ा मसला आता है? अभी बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लोगों ने 1000 प्लाज्मा डोनर्स अरेंज करवाए एनी प्लेटफॉर्म। हमने गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया, हमने किसी को भी अप्रोच बस फोन के हद तक एक दूसरे से रابطہ। एग्जैक्टली, लोग हमारे पास होता है जबरदस्त, मेरा ये ब्लड ग्रुप है, मैं प्लाज्मा डोनेट करना चाहूँ, स्टिल हमारे पास लोग आते हैं। एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो गया क्योंकि काफी अर्से से हम लोग ब्लड अरेंजमेंट भी कर रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे फेसबुक ग्रुप पे कोरोना रिकवर्ड वॉरियर ग्रुप है, उसके अंदर लाइक ये जितने भी लोकल लोग काम कर रहे हैं ना, इनके पास पहले से नॉलेज होती है, तो इनको ऑन बोर्ड लेकर आना चाहिए जी। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। जहाँ पे हम लोग इतना काम कर रहे थे, हमें सपोर्ट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है ना, वहाँ पे हमें नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। आपने माई मामा के लिए ब्लड अरेंज नहीं करवाया, उनकी डेथ हो गई, आप हाँ इस तरह के आते हैं, आपने प्लाज्मा अरेंज नहीं करवाया, उनकी डेथ होगी। लेकिन लाइक एक दिन में हमारे पास बहुत केसेस आते हैं और हम लोग सब कुछ केसेस को नहीं देख सकते। तो इस तरह के बहुत जितना पॉसिबल होता है उतना कर देते हैं, जाहिर है आप लोग यही काम करें। अच्छा, आप माइदा, आपने देखा होगा फेसबुक पेज जो बना हुआ है ना, काफी ज्यादा नंबर्स लिखे होते हैं आगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो 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 रिकवर किया होता है ना, लेकिन उसकी वजह से भी प्रॉब्लम लोगों में आई, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे को ग्रुप में सेंड कर देते हैं, फिर कॉल्स करते हैं, नंबर नहीं मिलते, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो टेंशन वही भी क्रिएट होती है। आपको नहीं लगता कि अगर किसी का नंबर लिखा और उसने ऑलरेडी दो लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर दिया है और आपके इल्म में है, या आप जितने लोग प्लाज्मा के लिए काम कर रहे हैं और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं ना, वो लोग एक ग्रुप बना ले, उसमें से उसका नाम कट कर दे, उसका नंबर खत्म कर दे, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली इतनी बड़ी चीज है, इसको ना थोड़ा बहुत मैनेज करने में बहुत मुश्किल होता है। हाँ। तो हम लोग अपने लिहाज से डेटाबेस बना लेते हैं, मैनेजमेंट बहुत हद तक अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसके अलावा मैं एक शेयर करूंगी कि मुझे एक वेंडर मिला था इंजेक्शन का वेंडर, एक्टे मेरा आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है प्लाज्मा के लिए,
जी एक तो मेरा बहुत ज़्यादा इंजेक्शन यूज़ हो रहा है प्लाज्मा कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स के लिए, तो उनकी मामा को ना कोरोना था और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब वो पर्सन फार्मेसी पे काम करता था, उसने 500 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए जी। उसने कहा कि ये अगर कोई ब्लैक में सेल आउट करता है आप इनको ले लें, डिजर्विंग फैमिलीज को देते हैं। और ये जो मेरी पोस्ट थी ना ये इंटरनेशनल तक वायरल हुई थी, इंटरनेशनल लाइक मुझे एक घंटे में ही सारे केसेस क्लोज हो गए थे। हमने डिजर्विंग फैमिलीज ढूंढी, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, हमने लो कॉस्ट में हमने इंजेक्शन दिए, लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग द कॉल्स। मैं रात को सोती हूँ, सुबह उठती हूँ, मुझे 100+ कॉल्स आई होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंजेक्शन की भी नीड में हैं, गवर्नमेंट ने कह दिया हम उन्हें लो प्राइसेस में दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्मा होता है, लंबा प्रोसीजर होता है, पेशेंट को अर्जेंटली चाहिए होता है उनके। देखिए आप देखिए ना कि आगे जो लोग ब्लैक करके सेल कर रहे हैं इंजेक्शन, जैसे ही लोगों ने बताया कि इंजेक्शन से रिकवर हो रहे हैं लोग या फ़ायदा पहुंच रहा है, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आई है कि इतने लैक्स में, माजरत के साथ मैंने देखा है लोगों को वो लाखों में सेल कर रहे थे। आयशा आप देख नहीं सकते पेशेंट के जो फैमिली जी संध्या साहिबा वो लोग रो रहे हैं कि खुदारा जितने का है ओरिजिनल प्राइस उसे कुछ तक तो गया। हम तो ऐसी मतलब हमें जो है ना हम इस्लाम मुसलमान हैं और हम वैसे अगर कहीं लड़ना होगा, कोई बात करनी होगी, किसी को बुरा कहना होगा, किसी की ड्रेसिंग पे कहना होगा ना, तो हम फौरन से कहेंगे कहाँ है मजहब तुम्हारा, कहाँ है ये वो, कहाँ है नमाज और ये वो। और हम वही वो लोग क्या होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि यार इंसानियत भी कोई चीज़ है, मतलब अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे जो नबी हैं, हमारा जो मज़हब है वो क्या सिखाता है कि यार इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, आप इंसान मत की कदर करो ना और जो है इस तरह करो। अब जैसे ये कोरोना और ये सब चीज़ें आई थी तो हमारे मुल्क में जो चीज़ सैनिटाइज़र जो पहले मतलब 150 का था या कुछ इस तरह, हाँ, वो हंड्रेड्स में चला गया। डिटोल की प्राइस जो है वो एक सॉप की, वैसे नॉर्मल सॉप की जो लक्स हैं या जो डिफरेंट है उनकी 80 रुपीस छोटे वाले की। लाइक अभी मैं कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले ग्रोसरी करने की, 80 रुपीस, लाइक उसको तो सस्ता हो जाना चाहिए यार। हाँ जी, जिस चीज से फायदा पहुंच रहा है, तो हम कैसे मुसलमान हैं, हम क्या लोग हैं, हमारी इंसानियत क्या, हम उसमें भी अपना फायदा सोच रहे हैं। कारोबार इंजेक्शन की वजह से, जब प्लाज्मा की वजह से मैसेज आ रहे थे, साथ साथ इंजेक्शन की वजह से भी आ रहे थे कि ये बहुत जरूरी चाहिए, और लोग नीचे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरी मदर को चाहिए मेरे। आप ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, आप खुद फील करें ना, आपकी माँ है, ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली ये वो चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो हमने देखी हैं, सिर्फ हम लोग उठा के किसी की बात नहीं करे, क्योंकि मायदा ने भी ये देखी है। कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ग्रुप्स में इन्वॉल्व थी प्लाज्मा और ब्लड के लिए, तो इसलिए हमें ये देखने में आई। जहाँ मायदा ने जिक्र किया ना कि नेगेटिव चीज़ें, संध्या साहिबा जो लोग अच्छा काम कर रहे होते ना, तो क्योंकि हम तो नहीं कर रहे होते लेकिन हम क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि हम लोगों ने 100 से ज्यादा या 1000 से ज्यादा लोगों को अरेंज करके दिया है। एप्रिसिएशन तो शायद अल्लाह की इज्जत के अलावा कोई दे ही नहीं सकता, हमें अजर और एप्रिसिएशन कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन हम लोग फौरन से ये एक बंदा उठ के कह देगा कि मेरी मदर की डेथ हो गई, ये बड़ा हर्टिंग होता है, आपके दिमाग में सवार हो जाता है कि मेरी वजह से डेथ हो गई, क्या मैंने फोन नहीं उठाया या मैं प्लाज्मा अरेंज नहीं कर सकी, ये क्या चीजें हैं, ये हम ठीक होंगे, ये हमारी सोच है। हम मैंने पहले स्टार्ट में भी यही बात कही कि हमें अपनी सोच को बदलना है, जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी हाँ जी, तो कोई भी चीज हमें नेगेटिव नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जैसे कि मायदा आप अच्छा काम कर रही हैं, आपके साथ दो रिलेटेड लोग जो है ना वो मुझे बताएंगे नहीं ये तो ऐसे करी, अब मेरे माइंड में आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिवली मैं आपके बारे में सोची, बट जो आपके साथ दो लोग हैं ना वो मुझे जो मायदा के साथ लोग होंगे ना वही मैंने कहा, सिर्फ जो आपके साथ रिलेटेड होंगे, दूसरा आपके लिए कोई बुरा नहीं सोचेगा, उसको उसको तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे, आप तक बुराई पहुंचाने वाला आपका ही साथी होता है। मैं हूँ, मैं एक जगह पर काम कर रही हूँ, 10 लोग हैं, जैसे हम 4-6-8 लोग बैठे हुए हैं, बाहर वाले लोगों को नहीं पता कि हम अंदर क्या कर रहे हैं, हमने अच्छा किया है बुरा किया है। अब जो मेरे खिलाफ लोग होंगे वो कहेंगे ओहो ये क्या हो गया, इसको तो गड़बड़ करनी चाहिए, अब वो किसी ना किसी तरीके से अपना आप दिखाएंगे। बात वहीं पर आ जाती है, हमें अपनी सोच को बदलना, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ दो,
ना कि उसको उसके रास्ते से हटाओ, इवन साथ नहीं भी दे सकते, अच्छा नहीं भी कर सकते, खामोश हो जाओ एटलीस्ट। सोच अच्छी ऐसी जरूरी है, जिस तरह हमें जो है एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए, कोई इस तरह सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है आप इंसान फिर, और इसी तरह जितनी ज्यादा आपकी क्लींस रहेगी, सोच साफ रहेगी, आपकी शख्सियत उतनी अच्छी ज्यादा वो आप खुद ही कर सकते हैं, हाँ वो कोई नहीं कर सकता। और वो मेरे ख्याल में वही वाली बात के चूजन कोई होते हैं जो मतलब या तो उनकी वो हो जाते हैं या फिर वो जो है exactly. करके इरम पाकिस्तान में जो है ना ये है, मैं मेरे ख्याल से अभी तक आधी दुनिया तो घूम चुकी हूँ मेरे, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर नहीं गई हूँ। बाहर आप कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी किसी को काटता नहीं है, कोई किसी की टांग नहीं खींचता सिवाय पाकिस्तान के। मैं साउथ अफ्रीका में थी या मराकश में थी, मुझे अभी याद नहीं है, तो एक काला बैठा हुआ था, तो मैंने उसको उससे पूछा, उसने मुझसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैं क्या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कहता वेयर इज़ पाकिस्तान, मैंने कहा तेरे मुँह पर ऐसा थप्पड़ लगाऊँ, मुझे गुस्सा आया, क्या मेरे पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते हो। तो उसने मुझे एक दैट टाइम जो है ना थोड़े हालात इस कदर ख़राब थे कि बम धमाके डस 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 की आवाज़ें आ रही थी, तो उसने मुझे एक ऐसा वर्ड बोला कि मैं नहीं बोलना चाहती, कि मुझे अपने आप पे ही इंसल्ट होगी कि हमारे मुल्क के बारे में ये बात है। तो उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अगर इतना पैसा भी दे दोगी तो मैं कभी उस मुल्क में नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे, कहता हूँ कि उसके बारे में तो ये बातें बता रहे हैं फलां पाकिस्तानी, उसने मुझे बताया फलां, मैंने कहा मैं पाकिस्तानी, मैं बताती हूँ कि हकीकत क्या, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ चलो, कि मतलब कि हम ही अपने घर को खराब कर रहे हैं, अपने मुल्क के बारे में हम बुराइयां क्यों करते हैं जाके सिर्फ अपनी स्पेस बनाने के लिए उधर, कि थोड़ी सी हम अपनी वहां पे जगह बना ले। अब टर्की में दे, आपको पता है यूरोप के वीजे जो है हमारे लिए मुश्किल सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि हम बेचना शुरू कर देते हैं, हम वहां पे जाके गलत कार्यें शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अब स्टूडेंट्स हैं, उनको जाना है, वो जाके पढ़ें, जो अफोर्ड करते हैं, उन्होंने एक आपको अमाउंट बताई हुई है कि एक स्टूडेंट की ये एजुकेशन उसने ये करना है, तो वो इतनी अमाउंट के लिए वो जॉब कर सकता है। हाँ जी, अगर आप ये कहो कि मैं पढ़ाई के नाम पर आकर तो आप उधर जॉब कर रहे हो और पीछे सात नस्लें पाल रहे हो, तो आप उनको क्या कर रहे होते, चीट कर रहे होते, जो वो नहीं पसंद करते। जैसे आपने जिक्र किया कि वो लोग गैर मजहब है उनका इस्लाम है, लेकिन सारी आदत जो हमें बता दी गई जो इस्लाम हमारे वाले वो कर रहे हैं, है झूठ नहीं बोलते, धोखाबाजी नहीं करते, बिल्कुल क्लीन बिजनेस करते हैं, तजारत उनकी क्लीन है, हर चीज क्लीन है। यार वो पे उनका पेट या कोई एनिमल लाइक कोई डॉग, उसको कुछ हो जाए तो उसकी इतना, अगर उसको जो उसका ओनर है सही तरीके से ना उसका टेक केयर कर सके तो उस पे वो इतना करते हैं। exactly. और हम यहाँ इंसानों की जान जो कि पूरी दुनिया में इतना है, और हम उसके लिए कह रहे हैं यार कि ठीक है मैं मतलब उस तकलीफ से गुजरा भी हूँ, लेकिन ठीक है मैं करूँगा, लेकिन यार मतलब मैं कैसे एक से सोच सकती हूँ कि मैं उस तकलीफ से गुजरी हूँ तो मैं ये सोचूँ कि यार दूसरे वाले को उससे बचाने के लिए मैं कहूँगी कि ठीक है मुझे इतने पैसे दे दो, नहीं तो मरता है तो मरे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक चिड़िया, चिड़िया की कितनी मतलब हम लोगों के लिए नॉर्मल है कि पंखे के साथ लग के मर गई, इधर मर गई उधर मर गई, हम लोग ये देखते हैं ना कि क्या ये, मैं ये बातें पता है क्यों इरम इस तरीके से कहती हूँ, क्योंकि हमारे लोग जो हैं इसी जुबान में उनको समझ आती है। हम अगर बहुत प्यार से और उनको सलीके से बहुत सारे बताते हैं ना, वो उनके वो कहते ऊपर से गुजर के नहीं है। मैं एक चिड़िया की बात बता रही हूँ कि मैं ड्राइव कर रही थी, मैं यूरोप की बात बताने लगी हूँ, और मेरे साथ एक और गाड़ी थी, तो अब इस साइड पे टू लाइंस थी और ये मेरी गाड़ी, वो चिड़िया जो ऊपर से गिरी और वो नीचे गिर गई ना, तो वैसे वो तड़प रही है। अब सारी गाड़ियाँ स्टॉप हो गई हैं, जबरदस्त सारी गाड़ियाँ स्टॉप हो गई हैं, तो मैं मेरे लिए एक नई बात थी, मैंने कहा है चुड़ी मर गई है तो क्या, तो टायर लगा दो, मतलब कि हमारी सोच जो हम लोग हमने जो देखा है और जो हम लोग जिस चीज के पीछे चल रहे हैं। तो उसने ना एक गोरा था, उसने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, तो मैंने कहा ये मुझे कुछ कहना चाह, मैं फौरी से मैंने ना पिक किया, मैंने गाड़ी से बंद की और मैं बाहर निकली हूँ, तो मैंने उसके पास आके ना, तो उसको मैं ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ कि पता नहीं हाथ लगाना केस ही ना बन जाए, हाथ लगाना है कि नहीं लगाना, ये भी बहुत टेंशन होती है उधर भाई कि लगाना है हाथ के नहीं लगाना। अब वो आया, उसने पकड़ा, उसको आके तो पकड़ के ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसको हॉस्पिटल लेकर के, यार इरम वो तो इंसान चला गया और मैं वहीं के वहीं ये सोचती रह गई कि याला जी हम कौन सी दुनिया में हैं कि हम इस परिंदे से
उसने कितनी कदर उसकी जान की है, तो हम इंसानों की जान की कदर नहीं कर। जैसे आपने जिक्र किया कुछ चीजों के लिए हम इंसान को मार देते हैं। बिल्कुल, यह वक्त तो है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से पहले हमारे साथ काशिप भी मौजूद है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्रेस बातें करना शुरू हो गए, तो मेरा ख्याल है कि हम गाना भी सुन लें। ये रियलिटी है। लेकिन इसे क्या होता है कि जब हम सोचते हैं और सुनते हैं ना, तो फिर बड़ा दुख होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दर्द ही बन गया है
चल देने कहन नरेश नी माना साडे वांगू हौली हौली इक दिन तू मुक जाना निमाने जिंदगी ते परोसा नहीं पलदा निमाने जिंदगी ते परोसा नहीं पलदा मैं नहीं होया तू ही हो गई जुदा मैं नहीं होया तू ही हो गई जुदा वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे प्यारे आज मेहमान मौजूद हैं। संदल साहिबा हैं, आयशा है और हमारे साथ माइदा है, काशिफ है। काशिफ ने बड़ा ज़बरदस्त सा एक गाना हमें सुनाया है, बड़ा दुखी सा था लेकिन बड़ा ही मज़ा आया सुन के। संदल साहिबा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी साथ साथ। आप बताओ, हमारे पास एक लालो लाल बच्चा है जिसको देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं कि रंगीन बच्चा है ये, मतलब कि किसी को अल्लाह शक्ल कैसी दे। सानू देखो ना, चूने मल मल के है हाल की तरह, वो देख के पता लग रहा है टमाटर देख रहे हैं, टमाटर टमाटर लग रहा है और बैठ के कर पकाने था मुंह ऐसे। एक्चुअली हमें जो चाय पिला रहे हैं ना उनकी ब्लशर बिल्कुल नहीं लगा हुआ और उनकी चीक्स ऐसी है, इसलिए ब्रेक में सर साहिबा पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ये रीजन क्या है इतने रेड। नहीं नहीं, मैंने एकदम से उसको देखा ना, वो ऐसे चाय लेकर आया तो मैंने ऐसे देखा, मैं कह रहा लालो लाल क्यों है ये बंदा, गर्मी बाहर है अंदर तो एसी एसी लगी। अलग बात है कि थोड़ा सा ज्यादा ब्लशर लगा, यू नो दिस इज नेचुरल ब्यूटी है टमाटर देने। अच्छा मजे की बात है, ये लाल क्या क्या कोई बात ऐसे की है आयशा? आप कहती है जब मेकअप कराती है नेचुरल सा मेकअप करना, कौन सा नेचुरल मेकअप होता है? 50 क्रीम लगा के फिर नेचुरल नहीं, वो कहां से आता है मैं बताती हूं ना, सारी चीजें पकड़ लो मिक्स करके तो उसको ऐसा रगड़ा दो मुंह के, वो नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा ना, मुंह बचेगा ना चीजें बचेंगी। कसम से हम लोगों की आदत होती है, हम मेकअप करवाते हुए हमेशा कहते हैं यार मुझे ना बहुत ज्यादा हैवी मत लगाना, लेकिन ये कवर भी कर दो, ये कवर भी कर दो, ये कंसीलर भी लगा दो, हर चीज लगा दो, इतना फुल हो जाता है। एग्जैक्टली, माइदा से बात करेंगे। माइदा, जैसे आपने ब्लड के लिए इतना काम किया, साथ प्लाज्मा के लिए भी काम करिए, जब से कोरोना आया फिर रमजान आ गया, माशाल्लाह से एक खूबसूरत महीना आया जिसमें बहुत से लोगों ने आगे बड़े बहुत सा काम किया। माइदा, राशन जो अभी तक डोनेट कर रहे हैं या अभी स्टॉप किया हुआ है और सारा ध्यान आपने प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन की तरफ लगाया हुआ है? जैसे कोरोना आ गया था ना, ऑब्वियसली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, काफी लोग जॉबलेस हो गए थे, हमने ना तब से राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी थी। अल खिदमत फाउंडेशन और ईदी फाउंडेशन को हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड किया था। जैसे कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, जितने भी बच्चे थे वो बैकवर्ड एरिया से थे, सारे अपने घरों में वापस चले गए। देन इनके पास वॉलंटियर्स नहीं थे, वॉलंटियर्स खत्म हो गए थे, हम पे फैसल ईदी के साथ इवन काम किया। फैसल ईदी रमजान में लाहौर में आए थे, जब वो कोरोना से रिकवर्ड हो गए थे उन्होंने हमारे साथ अफतारी भी की थी। लेकिन काफ़ी फील्ड में अगर कोरोना हो रहा है ना, तो सोशल वर्किंग फील्ड में काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ रमज़ान के बाद, फिर उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन कर लिया। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान सफ़ेद पोश लोगों को दे दिया राशन। जहाँ पे हम लोग राशन देने जाते थे हमें पता था यहाँ से हमें दुआ भी मिलेगी, बदुआ भी मिलेगी। हाँ। जिनको राशन नहीं मिल रहा ऑब्वियसली उन्होंने हमें बदुआ देनी है। अदर दिन इस बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स हुए। एक बंदा हमारे पास आया, उसको अपने बाबा बच्चे के लिए दूध चाहिए था, साथ हमने राशन भी दे दिया, अंदर दूध भी डाल दिया। उन्होंने कहा हमारे पास आटा है,
वो आटा या आप आटा वापस रख लें, आटे की मुझे ज़रूरत नहीं है, आटा मेरे पास बहुत ज़्यादा है, राशन नहीं है, दूध नहीं है, बस आप मुझे ये दे दें। तो हमने उस बैग को फ्लोर फ्लोर ऑफ द बैग बना दिया। खड़े हो रहे हैं मतलब ये बात या। और देखिए ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास आटा है, वरना कोई भी होता वो कहता है जी दे दे, पता नहीं कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब हम दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आएंगे। तो अभी जहाँ पे नेगेटिव लोग होते हैं वहाँ पॉजिटिव ज़रूर होते हैं। आप ये देखें कि कितनी बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया कि राशन लेकर बाद में जाके शॉप्स के ऊपर सेल किया जा रहा है। मेरी सिस्टर ने और मैंने, हम लोगों ने राशन बहुत तकसीम किया। और ऐसी फैमिलीज आती थी कि मैं उनका जब देखती थी तो मैंने समटाइम अपनी बाजी को मैं कहती थी ये मुझे नहीं लगता आज जिनको आप इतना राशन दे रहे हैं और एक फैमिली के तीन तीन लोग आ रहे हैं तो नकाब, देखिए मास्क लगा होता है हमें नहीं पता, बट मैं हम लोग मीडिया के लोग हैं, हम तो कैमरे की आंख से वो देख लेते हैं कि क्या हालात हैं क्या नहीं है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये एक घर के तीन लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ज्यादती करोगे, पीछे देखो कि लोग कितने खड़े हैं, उसमें पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में वाकई ही नहीं होगा। आप तीन लोगों के, वो नहीं माने जी, अब मुझे मजबूरन उनको राशन देना पड़ा। और बाद में मैंने क्या, मैं देखती हूँ कि वही तीनों बहनें जो थी बाइक पे इकट्ठी बैठ कर जा रही, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार देखो, और एक जो है एक मतलब एक बुजुर्ग ऐसा आया कि जिसको वो राशन की सख्त जरूरत थी, और मैंने उसको जाते हुए मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा किसी का हक ले कैसे आप ले जा सकते हो, वो कहते हैं ना जबरदस्ती आप किसी का, पर नसीब में जो रिस्क लिखा है वो आपको मिलता ही मिलता। कुछ लोग इरम क्या करते थे, लेकर जाते थे शॉप्स के, मैंने कहा नहीं, मैं अपनी, मेरी बाजी ने मुझे ये बात बताई क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं देख सकूं। मुझे कहती है कि संदल ये चीज़ें, मुझे घर में माई कहते हैं, मुझे कहती माई ये चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा ऐसे पागल हैं आप, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है और मैं कभी सोच भी नहीं सकती ऐसा। कहती नहीं ऐसे हो रहा। मैंने कहा अच्छा, वो उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा यार ये बंदे हैं कहाँ, और फिर मुझे गुस्सा बड़ा आता है, मैं कहती हूँ ये बंदे हैं कहाँ, लाओ तो मैं ना तो टोटे करूँ ला तो ऐसे मुझे गुस्सा आ जाता। ट्रू, ऐसा होना चाहिए जब आप इतना काम कर रहे हो ना। और आयशा ऐसा हुआ है, लेकिन जहाँ हम नेगेटिव लोगों को एक्सपोज कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे पॉजिटिव लोग भी हैं जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिनको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन खुदारा जैसे इन्होंने एक वाक्य एक इंसिडेंट बताया अभी छोटा सा आटे वाला, तो काइंडली अगर आपके घर में 15 दिन का भी राशन है तो दोबारा मत लीजिए, क्योंकि 15 दिन के बाद अल्लाह करे आपके लिए वसीला बन जाएगा, किसी और को ज्यादा जरूरत होती है। इस वक्त एनजीओस ने बहुत काम किया, नो डाउट मुखैर हजरात ने बहुत काम किया, कोई शक नहीं है, हमारी कौम एक होगी इसमें कोई शक नहीं, बहुत हेल्प किया। लेकिन वहां पे कुछ लोग ये भी थे जिन्होंने सिर्फ अपनी हद तक रखा है। काइंडली अगर आप ये नहीं ना करते तो अभी आप बेशक 5-5, 6-6 माह भी अपने घरों में राशन रख सकते थे अगर सब लोग डिवाइड कर लेते। बिल्कुल, इन चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। बिल्कुल इरम, हमारे एक हदीस मुबारक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप रात को सोते हो तो सुबह की फिक्र नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि सुबह होनी है कि नहीं होनी। अगर सुबह है तो आपने रात की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आपको नहीं पता कि रात होनी है कि नहीं होनी। हम क्या करते हैं, हम रात को पूरे सुबह की प्लानिंग करते हैं, क्या हमें पता है जी कि वो होना सुबह हमारी नसीब में है, सोना है तो पता नहीं उतना है कि नहीं। तो ये अगर हम ये चीज सोचे कि हमें हमारे आने वाले अगले पल का नहीं पता तो हम ये सामान किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपने फरमाया एक बार किसी ने हजरत आशा अलैहिस्सलाम ने पूछा उनसे कि बाबा के आपने हमेशा ये बात क्यों करते हैं, आपके हमेशा यही बात करते हैं कि बेटा सुबह का नहीं, तो आज आप इतने खुश क्यों हैं कि आपने आज मुझसे कहा है कि मुझे पता है कि कल मैंने क्या करना है, मैं आयशा मुझे ये काम कल करने हैं। तो उन्होंने आपने पूछा कि बाबा कि आज आपने मुझे इतने अरसे के बाद ये कहा कि आशा मुझे ये कल काम करने के लिए जाना है, तो इससे आज से पहले आपने कभी नहीं कहा। तो आपने फरमाया कि मुझे ये पता है कि कल मैंने जीना है। उन्होंने कैसे, क्योंकि मुझे वही नाजिल हुई है कि मुझे कल ये दो काम जाके करने हैं, इसलिए मुझे पता है कि कल मैं जिंदा हूँ। इससे ये साबित होता है कि मतलब हमारे जो मतलब हजरत नबी हैं हमारे, उन तक को ये नहीं पता नहीं था पता कि यार मैं कल मतलब मेरी जिंदगी होगी कि नहीं, मैंने क्या तो करना क्या है। लेकिन क्या एक दिन ऐसा था कि एक दिन सिर्फ और उस पे और एक दिन के उन्होंने पता चला कि मैंने कल जीना। हम लोगों का फोकस क्या होता है, आपके फ्यूचर प्लान क्या है,
फ्यूचर है क्या एग्जैक्टली ये बात इतनी वो अहम है. अक्सर लोग ना सॉरी टू कट यू, अक्सर लोग पूछते हैं आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं. मतलब नहीं यार, मतलब मैं और मेरे दिमाग बिल्कुल एम्प्टी होता है. मैं सोचती हूँ, मुझे तो सीरियसली मैं सोचती हूँ पता नहीं अब कल का क्या होना है. अच्छा ये नहीं मैं जानबूझ के सोच रही होती हूँ, लेकिन बाकी दिन में ये आता है कि मुझे क्या पता. और आयशा उसके बाद फिर एक बड़ा सवाल आता है, आपके कोई गोल्स नहीं है जिंदगी में, आपने कोई विजन नहीं आता. अच्छी बात है, आपको होना चाहिए कि मुझे ये करना है, लेकिन वो फ्यूचर प्लान करने के चक्रों में ना दूसरों की जिंदगियां बर्बाद मत कीजिए. क्योंकि हाँ. जब आप फ्यूचर को प्लान करने को सोचते हैं ना कि सिक्योर करना है मुझे अपना फ्यूचर, तो बहुत से लोगों के हक आप खा जाते हैं ना चाहते हुए. शायद आपको आइडिया भी हो जाते हैं कि हमें बस वो फोकस वही रह जाता है, इर्द गिर्द रहना चाहिए. रिकॉर्ड कर लीजिए, अगले 5 सालों में मैंने शादी करनी है, 2-3 बच्चे पैदा करने हैं, और वो फिर मैं कोहिनूर के चैनल पे लेकर आऊंगी और मैं बोलूंगी बोलो यहाँ पे आपकी मामा ने आके बोला था कि जरूर अब अनाउंस कर और दो का ऐलान करके जाते हैं. एग्जैक्टली आगे ज्यादा हो, अल्लाह करे जिंदगी इतनी खुशहाल हो. अल्लाह यार कुछ तो करो अगले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में तो बस काम ही करती आ रही, अगले 5 सालों में मैंने मेहनत करनी है. खूब मेहनत करनी है और मेहनत करना बहुत जरूरी है. आयशा आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म पे बहुत ज्यादा बात होती है. हम लोग हर कोई मोटिवेशन स्पीकर बन चुका है, हम हर कोई इसी को बताना चाहते हैं कि फलाकी ये गलती थी, फलाकी ये गलती थी. आपकी फील्ड में जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट की, क्योंकि आप कंटेंट राइटर जबरदस्त हैं, अभी हैं, काम भी कर रही हैं एज अ कंटेंट राइटर भी, होस्ट भी हैं, क्या वाकई ही इस फील्ड में नेपोटिज्म फेवरेटिज्म है, आपको फेस करना पड़ा? नहीं, मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा. वो इसलिए क्योंकि बोल देता जे कि फेस नहीं करना पड़ा. स्टार्ट भी नहीं अभी मैं वो इसलिए क्योंकि ये जरूर होता है ऐसा कि जो मतलब देखिए स्टार किड पैदा होना बुराई नहीं है, ये आपके अपने उसमें नहीं है, लेकिन जब सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, मतलब एक फिल्म है या एक कोई मॉर्निंग शो है या कुछ भी ऐसा है, तो फिर वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि यार मतलब ये क्योंकि ये उसका बच्चा है, ये उसकी बच्ची है तो इसको कर लेते हैं. सिलेक्शन उसी प्रोसेस से होके गुजरनी चाहिए जिस तरह एक आम लड़की लड़के या जिस तरह हो, जिसमें जितना टैलेंट हो ठीक है भाई, उसको भी उसमें डाल दो, उसको एक प्लेटफॉर्म दे दो कि हाँ उसको रीच जल्दी मिल जाए कि हाँ भाई. वैसे आम बंदे को ना पता हो कि मैंने कहाँ जाके ऑडिशन देना है क्या, लेकिन उसको एक इतना प्लेटफॉर्म मिल जाए कि यार चलो ये है. लेकिन वो पूरा, लेकिन आयशा देखिए स्टार किड्स जो होते हैं जिनकी मदर या फादर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने बहुत काम किया होता है, और हमारी इंडस्ट्री में है बहुत से लोग, लेकिन द थिंग इज कि आपने उनकी ग्रूमिंग कैसे की है ना, आपने उनको स्टार्ट में बता दिया कि बेटा ऑडिशन कैसा होता है. अब एक लड़की जिसकी बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं, जज नहीं करना चाहिए कि अगर वो रिक्शे से उतर के आ रही है या वो, उसको नहीं वो उस तरह पता. हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है कि ये भी एक क्राइटेरिया हमारे इस, ये शोबिज इंडस्ट्री बिल्कुल शो की इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत मतलब वो देखा जाए, अगर कोई रिक्शे से उतर के या वैसे आ रही है तो उसका, उसको आप उस तरह देखोगे, आप इसको इस तरह ट्रीट करना है. कोई गाड़ी से उतर के आ रही है तो उसको चाहे देखा जाए, चाहे उसमें टैलेंट ग्रू का ज्यादा हो और उसमें कम हो, लेकिन वो आ जाता है. तो ये किसी भी फील्ड में, सिर्फ शोबिस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ज्यादातर होता है. अच्छा संजय साहिबा, आपको फेस करना पड़ा फेवरेटिज्म ज्यादा हो जाती डायरेक्टर्स की, और यू नो सिलेक्शन करते हुए और किसी ना किसी के रेफरेंस से, ऐसा होता है आपकी? मेरे साथ इरम जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने शायद पहले भी आपके शो में काफी बार बताया कि मैं 10 साल की थी जी, जब मैंने पहला जो प्ले था पीटी से स्टार्ट दिया था, और मेरा स्टार्ट जो था पीटीवी से. और पीटीवी एक ऐसी जगह है जहाँ से आप जब सीख कर निकलते हो तो आप कुंदन बन चुके हो. एग्जैक्टली, बहुत कुछ आपके पास आ चुका होता है. फिर चैनल जो है, मतलब कोई भी प्राइवेट प्रोडक्शन जो है ना, वो आपको रिजेक्ट नहीं करती. आपने जो अभी बात की आयशा ना, आयशा आपने अभी कहा कि रिक्शे से उतरने वाले लड़की की एक अलग वैल्यू होती है, और जो गाड़ी से उतर के आती है वैल्यू इंसान अपनी खुद बनाता है. हाँ, ये मैटर नहीं करता कि आप ऑटो पे आए हो या आप गाड़ी पर आए हो. लेकिन मैं ये ऐसा मैं बताने लगी नहीं ऐसा है मेरी जान, मैं आपको एक बात हकीकत बताती हूँ. ये तो मैंने इवन के सॉरी टू कट यू, बॉलीवुड तक में ये चीज है, लोगों ने खुद बोला कि यार जो उसको उस तरह से ट्रीट अलग मिलता है. अच्छा आप बात की कर रही हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताने लगी कि उसमें हमारी अपनी गलतियां होती हैं. बिल्कुल, हम क्या करते हैं जो ऑटो से आती है ना, वो मुकाबला फौरी गाड़ी वाले का करना शुरू करते हैं. मुझे ये, अब मैं ऑटो पर आई हूँ तो मुझे ये सोचना है कि मैं, मुझे वहां पर जाने में टाइम लगा. मैं ये सोचती हूँ यार ये गाड़ी पे है, इसके पास ये चीज है, मैं
ओवरनाइट फेम के चक्कर में पड़ जाए। नो डाउट, ये भी है, बिल्कुल आई एग्री। यहाँ पे आके ऑटो वाली जो है वो गलत हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमें ये देखना है कि अब अगर इरम है, आप हो या मैं हूँ, और मतलब एक एग्जाम्पल, ये कैमरा मैन है हमारे भाई, इन्होंने सीखा है, इनको टाइम लगा है, और ये आज कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, और मैं उठूँ मैं कहूँ जी मैं मोबाइल की सेल्फी बनाने वाली बंदी, और मैं कहूँ जाके मैं इसको ऑपरेट कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकते। मैं वो आपकी बात से बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, लेकिन मैं टैलेंट की बात कर रही थी, तो यही पे मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं वही बात कि जब वो हम उस चीज का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो हमारे अंदर का जो टैलेंट नहीं, फिर वो टैलेंट नहीं रहता ना, वो नहीं रहता, हम भाग जाते हैं। जो टैलेंटेड आदमी है ना, वो कभी इन चीजों के पीछे नहीं भागता, उसको पता होता है कि मेरी क्या। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, आजकल हो यही रहा है, मेरा भी पॉइंट वही था कि टैलेंट मैटर करता है, लेकिन जो है हम लोग जो है ना इस तरह भी ट्रीट करते हैं, ये भी एक जो है एक एस्पेक्ट है। कहना मैं भी वही चाह रही थी कि टैलेंट जो है वो हमेशा अपना जो है ना वो खुद बना लेता है। मैं एक प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ काम कर रही थी, तो मेरा एक करेक्टर था, मुझे तो मेरा सेकेंड लीड था उसमें, तो एक नई लड़की थी, वो सिफारिश आई और उसको लीड करेक्टर मिल गया। तो मेरे डायरेक्टर प्रोडक्शन में उन्होंने कहा संदर ये जो सामने ये जो इंसान जो लड़की लीड करने के लिए आई है ना, ये लीड नहीं है, ये लीड कर लेगी, स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, पर इसका काम नहीं है, काम नहीं है। हम इसको कितने डायलॉग्स देंगे, आपके लिए हमारे पास 100 डायलॉग्स है और उसके पास 10 है या 20 है, उसको से आप देखें जितनी लड़की है जो आप जिसके पास टैलेंट नहीं है वो साइलेंट सीन उनके चल रहे होते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो आप इस और जब मैं हूँ पटक 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 बोलने वाली, तो मैं कहती यार मैं थक गई हूँ बोल बोल के, कहते नहीं बेटा आपने उसके भी हिस्से का आपने ही बोला। एग्जैक्टली अच्छा संदीप साहब, जैसे आपने जिक्र किया ना, वो साइलेंट नजर आ रहे थे, जी हाँ में जवाब दे रहे होते हैं, एक्सपोज कर देता है कैमरा। मेरी मुझे ये लगता है कि आप जितने भी सिफारिशी हैं, आप कहां से भी आए ना, कुछ वक्त के बाद आप एक्सपोज हो जाते हैं, कैमरा किसी का लिहाज। टाइमिंग कितनी देर है, ओवरनाइट के बाद जो आते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते। अब मैं हूँ, मैं एक स्लो से वो ना क्या कहते हैं मालगाड़ी पे चल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम चलना चाहती हूँ। मैं ये नहीं स्पीटर नहीं लगा रही हूँ कि मैं आऊँ और चली जाऊँ। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं, लड़के हैं लड़की हैं, रातों रात आपको हर चैनल पे नजर आते हैं और अगले हफ्ते में वो नजर नहीं आते कि कहाँ। ऐसे भी एक्टर्स आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मतलब ओवरनाइट पॉपुलैरिटी के लिए, मतलब वो नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी गेन करने को कोई वो नहीं समझते हैं, लेकिन वो फिर वो याद हमेशा वो याद नहीं रहते हैं। हाँ, याद नहीं रहते हैं। एग्री, ये आप दोनों ने जो बात की है, क्योंकि आप दोनों एक फील्ड से हैं, दोनों एक हम एक बात की दो रुख बिल्कुल दो रुख थे कि एक तरफ से आपको जब कंपटीशन में आप लोग आते हैं तो आप दूसरों को जब आइडियलाइज करते हैं, आप उनकी स्टोरीज नहीं देखते, आप उनकी स्ट्रगल नहीं देखते, आपकी उनकी दिन रात की मेहनत नहीं देखते। अब जैसे मायदा है, बहुत से लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो आगे आते हैं, लेकिन जो फॉरन से कुछ करना चाह रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें भी माजरत के साथ बहुत से लोग इस तरह के भी आ चुके हैं जिनको सिर्फ फेम चाहिए सोशल वर्क में भी। जो लोग बहुत ज्यादा फेम होते हैं ना, तो यहाँ कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा हो, वो आपकी जिंदगी में कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा जरूर होता है जो आपका वो एक ट्रेडमार्क या वो एक आपकी पहचान बन जाता है, लेकिन वहां तक आने के लिए भी आपने कितनी सीढ़ियां, कितनी सैक्रिफाइस, कितनी गलतियां और कितनी मिस्टेक्स करके आप सीखते हो और फिर कहीं जाके आप पॉलिश होते हो। नहीं मतलब अगर आप ये कहें कि मैंने सीख लिया है, तो उस दिन आपका एंड हो गया, आप जाने के रास्ते पे आपका यू टर्न, आपका डाउनफॉल, नहीं डाउनफॉल नहीं चलेगा, उसमें आपका यू टर्न लग जाता है, आप वापिस चले जाते हैं। लाइक जैसे कि अभी काशिफ है, ये सिंगर है, ये अभी ये कहे कि मुझे तो गाना आ गया, तो समझे कि ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये सोचेंगे ना कि नहीं मुझे और ज्यादा अच्छा करना, मेरी आवाज में ये चीज आए, मुझे ये सुर चाहिए, मुझे यहाँ तक मेरी जो है वर्थ होनी चाहिए, मुझे ये, अभी जैसे ब्रेक में भी मैं काशी से यही बात कर रही थी कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज है, आप अपने आप को प्रमोट करो, आप लोगों को आप अच्छी आवाजें जो होती है ना, समटाइम आपको लगता है कि आप बहुत आगे जा रहे, आप नजर नहीं आ रहे होते, आप भीड़ में छुप जाते हो, और अपने आप को भीड़ से निकाल के आगे लाना आपका काम है। जब तक आप हमें नजर नहीं आओगे, हमें क्या पता काशिफ कौन है,
लाखों करोड़ों काशिफ होंगे, आपसे अच्छी आवाजें भी होगी, अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया, आपने अच्छा गाया है तो इसको आगे लेकर निकलो, अपनी एफर्ट खुद से भी करो, ये नहीं बस मैं बह के गाना गा लिया तो चलो भाई तुम कर दो आगे, कोहे नूर वाले ने ठेका नहीं लिया था, अपना खुद भी आपको करना है, आपने यहाँ पर आप आए हैं और आपने बताना है कि मैं आया हूँ। वो एक वक्त था जब सिर्फ पीटीवी था तो उस पे एक दफा आ गया जो, तो वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया, अब तो चैनल्स इतने, कंपटीशन इतने हैं और पे इतने, मैं जब भी आती हूँ और मेरा मैंने नए से नए एक सिंगर को देखती हूँ और एक नया एक ऐसी पर्सनैलिटी आती है जैसे कि ये आज आई मायदा साहिबा, मायदा आई हैं आज, काशिफ आप आए हो, आप पहले भी आए, आप लोगों के लिए ये एक जगह एक ऐसी है, मैंने पहले बताया असलम साहब, ये हमारी ये पूरी जो टीम है कोहे नूर की, इन्होंने हमेशा लोगों को वो लोगों को देखा जिनको दूसरे चैनल नहीं पूछते, ठीक है, उसकी क्या रीज़न है कि एक जगह आपको मिली है, यहाँ पे आके आपको अपना आप मनवाना है, दोबारा की उम्मीद हमें नहीं पता होता कि हमने इस जगह पे जाना, आज जो वक्त है ना, आज आपके जो देखने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपने जो आज कर जाना है वो याद रह जाना। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त संजू साहिबा की, सबसे अच्छी चीज है कि अपने जूनियर्स को जो नए आने वाले लोग हैं उनको बहुत समझाती हैं कि भाई अगर एक मौका मिल गया ना तो अपने टैलेंट शो करें, हर मौके को आखिरी मौका समझो तब जाके आप कामयाब होगे। मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं, मैंने अपनी लाइफ में, मेरे घर वालों ने मेरा, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया था, मैं हम लोग आउट ऑफ कंट्री रहते थे, मैं यहाँ पे छोटी बस जल्दी जल्दी बात ये करना चाहूँगी, जब मैं वापस आई पाकिस्तान वापस आई तो मैंने दोबारा से स्टार्ट लिया, मैं कराची चली गई, मेरे क्रेडिट पे पहले बहुत सारा काम था, इतने थे, मुझे अवार्ड भी पीटीवी का मिल चुका है ड्रामों का, मैंने इतना काम किया, जब मैं आई तो मुझे वही लोग कह रहे थे संदल आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार आप मुझे ऑडिशन का कह रहे हो, आपको तो पता है, जाओ चेक करो मेरा काम जाके कि मैंने कितना काम किया है, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे एक मौका दो, मैं आपको बताती हूँ कि ऑडिशन कैसे फिर देते, मुझे एआर का एक ड्रामा था, मैं यहाँ पे ये मेंशन लाजमी करना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि ये क्या करती है, और बहुत बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने मुझे इरम कान दिया, और मैंने, अल्लाह मुझे माफ करे, फिर मैंने उनको बताया कि ऑडिशन कहा था ना आपने, इनको लाओ, मैंने वहां पे फिर उनके एक्टरों को रुलाया था, क्योंकि मैंने वो आखिरी मौका समझ के, कि मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मुझे मौका मिलेगा, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये मोटिवेशन अगर आपको चाहिए हो, अगर आप एक्टर भी करना चाहते हैं तो हमारे पास शोबिज में भी मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम संदल नवाज है, जो बहुत अच्छे से आपको मोटिवेट करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपने काम करना है। बिल्कुल मायदा, आप माशाल्लाह से जहाँ सोशल वर्क कर रही हैं वहाँ पे लोग परेशान हैं जॉब्स के लिए, स्पेशली यंग यूथ, आप देख रहे हैं कि डिग्रीज आ गई हैं लेकिन जॉब्स के लिए परेशान है, जॉब प्रोवाइड भी कर रही हैं, किस तरह से लोगों से रابطہ होता है, किस तरह से क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से लोग आपसे मुंसलिक होते हैं, किस तरह से रابطہ करते हैं? इरम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, कोहे नूर के फर्स्ट टाइम ये मेरा टीवी शो है जिसके अंदर मैं आई हूँ, एक लाइफ में फर्स्ट टाइम कोहे नूर को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इन्वाइट किया। अदर दिन इस ना लाइक मीडिया के बहुत ज़्यादा लोगों को लोग भूल गए थे, उनकी भी जॉब्स गई थी, हमने क्या किया, उनको राशन प्रोवाइड किया, इवन देवर लाइक हम लोग कवरेज करेंगे अपने चैनल्स पे, हमने कहा ना करें, हमें कवरेज नहीं चाहिए, अब बस आए राशन लीजिए। अच्छा, जहाँ बात आती है जॉब्स की, अल्हम्दुलिल्लाह पीआर बनाइए, कॉन्टेक्स्ट बनाए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको जो जॉब्स देना चाहते हैं, जिनको ना न्यू टैलेंटेड लोग चाहिए और उनको लगता है कि मेरे पास आइडियाज जिनके पास हो, डिफरेंट काम करने वाले, तो वो मुझे क्या करते हैं, वो मुझे अपने भेजते थे कि मायदा दीज आर द डिटेल्स, मुझे इस पोस्ट का बनना चाहिए, दिस इज द लोकेशन, आप पोस्ट कर दें, जो भी आपके रेफरेंस से कॉन्टेक्ट करेगा हम उसे प्रायोरिटी देंगे, और लिटरली मैं स्टेटस लगाती हूँ और लोग अप्लाई करते हैं, और लोग मुझे आके मैसेज कर रहे थे मायदा थैंक यू सो मच आपकी रेफरेंस से हमें जॉब मिल गई, और उसके बाद लोग क्या करते हैं, अगर उनके सैलरी पैकेज अच्छा होता है वो कहते हैं मायदा इतनी अमाउंट हम आपको एज अ डोनेशन देंगे फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, जबरदस्त, इस तरह लोग करते हैं, और काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स चाहिए होती हैं वो भी हमें। अच्छा मायदा, यहाँ पे कोरोना की वजह से लोगों ने ये भी देखने में आया कि बेरोजगारी ज्यादा हो जाएगी, जॉब्स नहीं होगी, तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपका रब्ता है इन लोगों से जो जॉब देना चाहते हैं, जो जॉब लेना चाहते हैं, दोनों तरह के लोग आपके पास है, तो क्या देखिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आई है या खत्म हुई है? अपॉर्चुनिटीज जब कोरोना कुछ ज्यादा स्वेयर होता है, लॉकडाउन बहुत ज्यादा
हेक्टिक हो जाते हैं ना, तब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। लेकिन जाते अगर हम लोग थोड़ा बहुत ढूंढे ना तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। हम लोग ये है कि मेहनत नहीं करते, हम लोग देखते नहीं है। अब मैंने अपनी टीम बनाई हुई है, वो टीम देख रही होती है किसको कौन सा स्टाफ चाहिए, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मुझे आके डिटेल्स बता रही होती है। लाइक हम लोग एक दिन में दो लोग भी लगवा देते हैं ना, इट्स एनफ फॉर अस। बिल्कुल, इवन कि एक भी किसी का इंटरव्यू भी हो जाता है ना, तो आप पहले स्टेप में तो चले गए ना। एग्जैक्टली, तो दिस इज द थिंग। अब जैसे कल मुझे एक लड़की का मैसेज आया था, उसके बाबा की डेथ हो गई थी, उसको जॉब चाहिए थी, मैंने उसके घर के पास उसको जॉब लगवा की थी। शी वॉज लाइक, मेरे बाबा का आज ड्रीम पूरा हो गया, मुझे जॉब मिल गया, मैंने अर्निंग करना स्टार्ट और कर कितनी उस वक्त अपने ऊपर एक exactly. सुकून फील हुआ होगा आपका। और मैं बहुत मतलब मुझे खुशी हो रही है सुन के कि इतनी मतलब कम उम्र में और इतना सब कुछ मतलब कर रहे हो और क्या बात है। अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद कामयाबियां दे और आप इसी जोश और जज्बे के साथ जो है वो मदद करते रहो। आमीन। इसी के साथ मैं एक और आपके साथ बात शेयर करूंगी। बैकवर्ड एरिया से एक फैमिली आई हुई थी, उनको ब्लड चाहिए था और मैं यूफन में जॉब करती थी, 6 बजे फ्री हुई, सुबह 6 बजे की जागी थी। आई वॉज लाइक नहीं जाती ब्लड केस देखने, इसलिए ना मुझे कुछ कभी कभी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। इशू क्या है, उनको ब्लड ग्रुप इतना ज़्यादा क्यों चाहिए, क्यों बॉटल चाहिए। मैं जिना हॉस्पिटल चली गई, फैमिली को देखा, डिलीवरी केस था और बहुत ज़्यादा उनको बॉटल्स रिक्वायर्ड थी। रात 2 बजे तक अपने टीम मेम्बर के साथ मैं वहीं पर रही, डोनर्स को बुलाया, ब्लड डोनेट करवाया, घर आई, सुबह उठी, उनके मुझे कॉल आई, हमारे घर बेटी पैदा हुई है और हमने उसका नाम मायदा रखा। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। लोग मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं, जब मेरी बेटी पैदा होगी ना मैं उसका नाम मायदा रखूंगा और कोशिश करूंगा आप जैसी तरबियत हो। क्या बात है, जबरदस्त। देखिए, और सारी वसूली हो जाती है। एग्जैक्टली, एक बार भी किसी एक इंसान ने भी कह दिया तो जो आप चाहते थे, जो वो आपकी ज़िंदगी में आपको मिल गया। हम क्या सोचते हैं, हमें क्या अवार्ड चाहिए होते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें किसी एक इंसान की दुआ चाहिए। और देखिए, दुआएं ही हर रोज़ लेनी चाहिए, दुआओं से ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। जिसके पीछे दुआ नहीं होती उसके वो इंसान की ज़िंदगी। मैं कभी कभी ऐसी मुश्किलों में तो मैं कभी कभी ऐसी मुश्किलों में फंस जाती हूँ कि मुझे नहीं पता चलता, ऐसे निकलती हूँ कि पता नहीं चलता। दुआएं साथ होती हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और आप दुआएं भी खरीद सकते हैं किस तरह से, जब आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपने बाय कर लेना, ना चाहते हुए भी वो आपको दुआएं देंगे। क्या बात है मायदा, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके। और हम चाहेंगे हमारी जो बच्चियां हैं, जो यूथ है, जो नए लोग हैं, वो लोग भी आपके साथ मुंसलिक हों, रब्ता करें आपसे, और इसी तरह से उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो यही होना चाहिए। और जो एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहिए, बनना चाहते हैं, सदर साहिबा की सारी बातें गौर से सुनिए, क्योंकि वो रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं अपनी फील्ड में। और उन्होंने आपको बताया कि कितना टाइम लगा है उनको ये नाम बनाते हुए। नाम जल्दी से नहीं बन जाते, अभी नाम भी बनाने मैं समझती हूँ कि अभी भी मुझे जो जिंदगी में करना चाहिए था शायद मैंने अभी तक भी नहीं किया। मुझसे ये पूछा जाता है कि संदल आपने जो क्या करना चाहती, मैंने कहा जो मेरे अंदर एक चीज है शायद मैं वो नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि डे बाय डे आप एक ऐसे एक जिंदगी जो है ना एक ट्रैक है, वो कहाँ कहाँ आपको जिगजैग लेकर जा रहा है आपको खुद पता नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये करेक्टर भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, पर हर रोज तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस होता है, तो वो तो मुझे करना है ना, जो मुझे आज हो रहा है। अभी मुझे कल जो तकलीफ, खुदा ना खास्ता कोरोना पहली जिंदगी दुनिया में नहीं था, मतलब कि हमारे पहले जो बहन भाई बड़े जो थे उन्होंने नहीं देखा। ये कितने 100 साल पहले एक वबा आई थी, वो उस दिन भी बता रहे थे, पता नहीं क्या है किस नाम से, कि उसके बाद ये अभी आई है। ठीक है, ये हमें एक जिंदगी का अलग एक्सपीरियंस हुआ कि आज इस कोरोना ने आके हमें अपने प्यारों की हकीकत उनके नजदीक किया, जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे थे उनसे दूर किया, पैसे को नाउज बिला पता नहीं क्या समझते थे, अल्लाह ने कहा नहीं। आज ये देखो, आज आप एक दूसरे को मिलते नहीं थे ना, मेरे पास टाइम नहीं है खाने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है कॉफी पीने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करते थे, मैकडॉनल्ड पकड़ लीजिए, चीज पकड़ लीजिए, चीज ये भी करते थे ना। आज अल्लाह ने आपको कैसे बिठाया, करो जाओ निकल के दिखाओ मुझे, आज करो ना। हाँ। मैं आज मानू आपको, करो जाके आप अपने आप को, क्या माँ के लिए बाप के लिए टाइम नहीं था ना हमारे पास, और आज अल्लाह ने क्या वक्त हमारे पास लेकर आया कि हम उनके पास होकर भी उनको गले नहीं लगाते डरते हुए। आप ये नोटिस करो, ये अल्लाह की तरफ से हमें एक मैसेज है दुनिया में, क्या हम क्या चीजों के पीछे भाग रहे थे। बहन है उसको फोन कर लीजिए, यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपनी बात बताई, मैं कहती यार कॉल एक एक महीना कॉल नहीं की, क्या आपने मुझे कॉल नहीं की, यार मैं क्या करूँ, कॉल करती बिजी थी बस, अच्छा चलो मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी। आज जब इतना टाइम है
चक्कर नहीं लगाया चक्कर। क्या बात है, बड़ी रियलिटी है ये, सच है कि हम अपने प्यारों को गले नहीं लगा पा रहे। जिन लोगों ने मान लिया है कोरोना है, वो लोग अभी भी नहीं गले लगा पा रहे। हम सल साहब गाना सुने एक मजे का इनका खूबसूरत। ये आपका जो मेरे उससे बैठे थे मनाऊ कौन है, कोई तीसरा और कौन तीसरा थर्ड पार्टी लाजम होती है, वो क्यों किसी को खराब करना, वो भी थर्ड पार्टी आएगी, किसी को सही करना है वो भी थर्ड पार्टी। लेकिन आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई ना उसने चीजें हमेशा खराब की है सिंधु साहिबा। हाँ जी मेरी कौन फर्स्ट वो पहले आते हैं पहले आते हैं नहीं संदीप साहब। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग रहे हैं ना जो बड़े करीब थे आपके, लेकिन जब चीजें ठीक हो रही थी तो उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी में तो हर बंदा कम वक्त आता ही खराब करने के लिए। सत्यानाश इनका कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि संदल के लिए कुछ अच्छा सोच लो, और कोई देख रहे हैं हंस रही है भाई संदल आज इतना बड़ा ही हंस रही थी। अब देखो अभी एक हम शो कर रहे थे, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो वो क्या कहते हैं गेम शो था, तो उसमें क्या कहते जो भी आता है मेरे से बहुत सीनियर है तो आके क्या कहेंगे मैंने संदल से नहीं हारना। मैंने कल कहा मैं क्या फिटे हूँ सारे ने मेरे से नहीं आता, कोई तो कह दे संदल तू हमसे जीत जा, जो आता है यही कहता है कि आप मैंने संदल से नहीं आना। मैंने कहा यार आप लोग ऐसे बात क्यों करते हो, मैं अजीब सी एक ये थिंग मैं सुबह, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है ना, उनको डर है आपके टैलेंट से, कॉम्पिटिशन लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं इरम, मैं अल्लाह मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब पे इतना को राजी हूं कि मुझे मेरी नियत का फल मिलता है। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। आप मुझे अभी किसी जगह पे एक काम मिलता है ना तो मैं सोचती हूँ कि फलां 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 जगह पे बंदे थे उन्होंने मुझे ये कहा था और ये काम रिलेटेड उनके रिलेटेड है, तो मैं खुद से उनको रब्ता करती हूँ। हालांकि मेरा रब्ता करना बनता नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं यार 1,00,000 है तो ये मैं अकेली कितनी को देर खा लूंगी, अगर इसमें 5 लोग खा लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। नहीं देखिए खानी तो हमने रोटी है, बाकी जो हमने जमा करना है वो बैंक में जाना है, बैंक में जब वो चला गया तो वो हमारा नहीं है क्योंकि हमें तो अपना ही नहीं पता होता। अच्छा अच्छा सभी जैसे आपने जिक्र किया है ना कि अगर आपको लगे कि कुछ काम से रिलेटेड लोग भी हैं और काम भी है तो कुछ लोग नहीं करते। हमारे पास बड़े ज़बरदस्त एक सिंगर आए तो उन्होंने बताया कि बहुत से अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको कॉन्सर्ट या इवेंट जब ऑफर होता है और उनके पास वो टाइम नहीं होता, वो डेट नहीं होती, ऑलरेडी वो कहीं और कमिटेड होते हैं, लेकिन वो बजाय इसके कि वो हमारे जूनियर्स जो लोग हैं उनको वो दे दें इवेंट कि भाई फला फला टैलेंटेड लोग हैं उनको दे दीजिए, कम बजट में दे दीजिए। वो क्या कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना उसे बोलते हैं कि प्लीज ये आगे पीछे कर ले डेट, नया अवेलेबल होना ये उस वक्त रख लीजिए। तो खुदा रहा ऐसे ना कीजिए, अगर किसी को काम मिल जाता है आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं होगा, इससे अल्लाह ताला आपके लिए ज्यादा आसानियां पैदा करेगा। मेरा इस बात पे बड़ा यकीन है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर देना अल्लाह ताला दे देता है। आयशा से पूछेंगे, आयशा इंटरव्यूज कर रही है जबरदस्त मजे मजे के, चैनल बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चल रहा है, हिट टू यू ही है माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे। आयशा कोई इंटरव्यू जो करते हुए डर लगा हो एक तो, या फिर कोई ऐसा इंटरव्यू जो करके बाद में कहा होगा भाई क्यों किया था मैंने ये इंटरव्यू? यार मैंने क्यों किया तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि जितने भी लोगों का किया है वो सब सीनियर हैं। अब मतलब मदिया शाह सकती हैं क्यों, मदिया शाह जी एक था, जुल्कनैन हैदर हैं, उसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर साहब का करना था लेकिन साथ ही वो रमजान आ गए थे, रमजान के बाद फिर वो कोरोना इतना ज्यादा पर्दा हो जाते हैं रमजान में नहीं करते। नहीं वो फिर टाइमिंग ऐसे हो जाती है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये इसका मज़ाकरात की, तो फिर उस वजह से वो फिर टाइमिंग मैच नहीं की। इसके अलावा और साईं ज़हूर जो हैं उनका भी किया, क्या बात उनका करके, हाँ उन क्या आवाज़ है, क्या मतलब उसे कहते हैं बहुत अच्छे इंसान। और हमारे जो लोग थे ना तो वो कह रहे यार हम मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के आए हमें थकावट हो गई और हम यार आवाज़ देखो लोग जो है ठंडा नहीं पीते, ये करते हैं वो करते हैं लेकिन ये सिगरेट भी पीते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन उनकी आवाज़, मैंने कहा जो हम बाकी लोग हैं ना ये बनाते हैं कोशिश करते हैं ये तो एक वो चीज़ है, नेचुरल टैलेंट है। जैसे कोई चश्मा कोई फूटता है तो वो जब तक अल्लाह ने नहीं चाहना उसने बंद नहीं होना, तो ये एक टैलेंट का एक चश्मा है जो कि मतलब ऐसा ही बेहतर। उनका इंटरव्यू करके मजा आया, बहुत मजा आया उनकी मतलब मैं इतनी वो मेस्मराइज थी ना उनकी पर्सनालिटी से और उनकी
वो जो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हुआ क्योंकि वो डिफरेंट है हुआ, तो वो फिर मुझे कोई टूटी फूटी पंजाबी बोलनी पड़ी। मैं क्या कोई गल नहीं कर लेंगे, लाइक साई जहूर है तो फिर यार मौका कहाँ मिलेगा, मौका कहाँ मिलेगा। तो अब मैं तो कोई मतलब जिस तरह का आर्टिस्ट हो, जिस तरह का बंदा हो, तो उसी आपको उसी तरीके से वहाँ पे उस पर जाके करना था। बहुत मजा आया, मरिया शाह जी के साथ बहुत मजा आया था, बहुत लाइवली एक वो चला था। और अभी मेरे जहन में कोई वो आर्टिस्ट जल्दी जल्दी में आ नहीं रहा, पप्पू सम्राट जो है उनका करके मुझे थोड़ा सा उनके साथ मैंने पप्पू सम्राट जी का किया ना, तो वो मुझे बस ऐसे, क्योंकि मुझे ना पहले मैं बड़ी मजे में थी कि चलो जी ये क्वेश्चन करूंगी, ये वो करूंगी, तो मुझे ना वैसे भी जो है उनके जो भाई हैं आसिफ सम्राट, और उन लोगों ने कहा कि ये बहुत गुस्से वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो होंगे तो कोई बात नहीं। फिर मुझे मैंने कहा अच्छा जी, मुझे कहते हैं सवाल क्या है ये, देखे ये वाले सवाल मत पूछिएगा। तो आपने कहा ना, तो मैं तो सवाल ही कर रही थी और सीरियसली मैंने सवाल ही वही कर दिए थे। मैंने कहा जी ठीक है ओके। ऊपर से मैंने सुना हुआ था कि यार ये गुस्से वाले भी बहुत है, ऊपर से सीनियर भी हैं, ऑब्वियसली हमारे लिए तो सीन तो इतने वो हैं। तो मैं कहा ठीक है, उनका करते वक्त बस मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर मैं सवाल भी सवाल हो, दैट्स इट, हां कि सवाल हो और सवाल कोई ऐसा ना हो कि वो कह दे ना माकूल बच्ची ये क्या कर रही है, तो मैं सवाल कर रही है, तो फिर वो बस थोड़ा सा होता है। हां समझ में होता है। एक फनकार में जब तक आजिज़ी नहीं होगी ना, बेशक वो कामयाब नहीं, वो फनकार नहीं है। उसमें आजिज़ी एक सिंगर जो है ना जी, उसके सुर जो है तब तक कायम नहीं रहेंगे जब तक उसमें आजिज़ी नहीं होगी। ट्रू, क्योंकि उसने जो उसके गले से जो अल्फाज निकलने हैं, जो आवाज़ निकलनी है, उसमें आजिज़ी नज़र आनी चाहिए, उसमें दर्द, उसमें तकलीफ, हर चीज़। एक फनकार, एक आर्टिस्ट है, आपको पता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने एक तो वो हर करेक्टर किया होता है। हाँ जी, वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीता, हम हैं, आप हो, मैं हूँ, हम आप हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, हम अपनी खुशियाँ, अपना बचपना, अपना वो ही जिया है जो हम इस फील्ड से आने से पहले जी गए। अब हम अपने लिए नहीं जीते, अब हम दूसरों के लिए जीते। हमें दूसरों की फिक्र होती है कि कौन सी बात किसको सही लगेगी, किसको गलत। हमने कभी ये नहीं सोचा हमारे लिए क्या सही है। कल की बात है, एक बंदे ने मुझसे एक सवाल किया, नहीं मुझे उसने कहा कि मैं ना काम के, मुझे मैसेज किया कि मैं ड्रामों में काम करना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपकी, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं कि मैं कौन होती हूँ, मेरी एक आदत है, मैं कभी ये नहीं कहती कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ, मैं कहती भाई मैं कौन होती करने वाली ऊपर की वो जो बैठी है ना वो है। तो कहते हैं नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से इस्लामाबाद से मुझे कॉल की कि मैंने फलां से नंबर लिया, तो उन्होंने कहा कि संदल आपकी जो है ना ये हेल्प कर सकती है। मैंने आगे ना उसको मजाक से कहा, मैंने कहा मैं कोरोना में मैं क्या कर सकती हूँ बता दें, मैं खुद में कार बैठी हूँ, मैं मजाक में कि मतलब उसको फील भी ना हो और उसको इस तरीके से मजे से उसको मैंने कहा नहीं मैं नहीं करनी, वो तो उसने करना है, जहाँ पे जरूरत होगी मैं। यार अल्लाह देखे, कभी कभी वो एक एग्जाम्पल जो एक मिसाल है कि रब चिड़ियाँ हथो बाज मरवाना है। मुझे एक आर्टिस्ट है, उसने मुझे कहा संदल क्या कर रही हो आजकल, मैंने कहा ये अभी एक दो दिन की बात है पहले की, क्या कर रही हो, मैंने कहा ये जी मेरे प्रोजेक्ट है जो ऑन सेट थे और ऑन ऑफ मैं शूट कर रही हूँ, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, अगर काम हो तो मुझे बताना। कि ऐसा भी वक्त आता है, और उस दिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मैं या मेरे साथ इसने उस वक्त तो अच्छा नहीं किया था, मैं क्यों करूं। मैं जो है ना, मैं आपके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। मैं सोई होती हूँ ना तो मुझे एक टक से आवाज आती है, उठो फजर की नमाज पढ़नी है, मैं फौरी से पहले पढ़ती हूँ उठ के। मैं सोई हूँ मुझे टक से आवाज आती, जोहर होने वाली तुम सोई हुई हो, मैं नमाज पढ़ती हूँ। मैं अपने अल्लाह से बहुत डरती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ। जो संदल साहिब आपने एक एग्जांपल दी है ना पंजाबी में चिड़िया हतो बाज, ये बहुत बड़ी बात है, समझने वालों को बहुत समझ आई होगी, इतनी बड़ी बात है ना, इसमें इतना कुछ है लर्न करने के लिए आपके। मैं कौन हूँ यार, हम कौन है, बहुत। और ये वक्त ऐसे बदलता है, आपके कैसे चला जाता है ये वक्त, ये इंसान के लिए बेहतर भी होता है। मैं आपको बताती हूँ जी, इसमें आपको बहुत कुछ, इरम आपको, मुझे, हमारे जितने व्यूवर्स हैं सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। आप करोड़ों के हिसाब से आबादी है, हमारे चैनल को अभी कोहिनूर शो को जो है 1 करोड़ लोग देखते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि 25 करोड़ लोग देख रहे हैं, 2 करोड़ देख रहे होंगे, 5 करोड़ देख रहे होंगे,
और उनके पास जो हम चार लोग बैठ के बात करेंगे ये 2 करोड़ सुन रहे होंगे, बिल्कुल, तो उनमें से कितने लोगों की ये हकीकत के साथ कहाँ किस हद तक मिलते हैं और उनकी सोच और उनकी जिंदगी कैसे बदल सकती कैसे है, बदल सकती है, ये हमारी एक ड्यूटी है जो हम बैठ के यहाँ पर करते हैं। True. और हमें हमें उससे जो मैसेज हमें मिलता है उससे हमें सीखना चाहिए, हमें सीख हर इंसान को सीखने की जरूरत है। कोई ये कहे कि मैं माँ के पेट से ही रेडी निकला हूं। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता और वक्त के साथ साथ चीज चेंज होती है ना, जैसे पहले आयशा संत साहब जैसे पहले सेट लगा करते थे, रिहर्सल होती थी, अब देखिए चीजें चेंज हो गई। पीटीवी में आपको 15 दिन रिहर्सल करते थे, रिहर्सल होती 15 दिन रिहर्सल कर करके, तो ये दिन रात ये जेन में रहता था कि पाओ इधर से यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे नहीं जाना, 15 दिन स्यापा जिंदगी का बड़ा रहता था। और आज वक्त क्या है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना हमारा वो इस साइड पे खड़ा होता है, हम इस साइड पे खड़े होते हैं, लाइंस पर आपने क्या किया मुझे तो नहीं पता चला, जी मामा ने मुझे बुलाया था, अब मैंने पोज दे दी उसने लाइन बता दी, मैंने पोज दे दी उसने लाइन बता दी, आज इस तरह से काम करते हैं, अभी दूसरा सीन करना है उसके क्लोज हो रहे, मैं गई हूँ फटाफट से जाके ट्राउजर वही पहना, जाके शर्ट चेंज किया, दुपट्टा चेंज किया और आ गई। पहले ऐसा नहीं होता था, मार्किंग होती थी, आज किसके सीन दे फुट, नहीं नहीं फुट मार्किंग होती थी। क्या है कि अभी जैसे कि काशी विदर है तो मैंने ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे हिल सकती हूँ, पाँव पूरा नहीं उठा सकती। अच्छा सब इतना सिखाया जाता था, आपने बॉडी लैंग्वेज कितनी यूज करनी है कितनी नहीं। अब मेरा एक सीन था उनके साथ वसीम अब्बास साहब के साथ, तो मुझे कहते मैं कर रहा हूँ, अब इसमें क्या है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। अब उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया इस चीज में, आप देखें दो डिफरेंट क्या है वाला, मैंने क्या बोला बोल के बताया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर रहा हूँ ना, हाँ मैं कर देता हूँ, बात तो सेम है, बात तो सेम है, पर इसके फील डिफरेंस, फील और इसका डिलीवरी और वर्ड्स चेंज हो गया। जैसे वो कहती है दो तरीके होते हैं ना, रोको मत जाने दो और एक अगर इसको रोको मत जाने दो, ये एक ही जुमला दो तरीके से। अब ये चीजें नहीं है, अभी क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे आपसे ये चीजें चाहिए, तो पहले हमें बताया जाता है मुझे नहीं पता मुझे ये चीज चाहिए, तो आज हम क्या करते हैं, आज हमें पता ही नहीं चलता। क्या बात है, मतलब इतनी क्लियर आप समझा रही है ना, जिस तरह से मेरा ख्याल है इस तरह से दोबारा से स्टार्ट हो जाए। हमने ऐसे ना सिखाए, मैं ना एक्टिंग शुरू कर दी, आप मुझे सिखा रही है ना, मैं बाकी फॉलो कर रही हूं आपको, काशी पर वो मायदा जो है ना अपने काम छोड़ी है, एक्टिंग शुरू कर दी, मैं सिंगर बनने की कोशिश की। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा उस्ताद है कि जिसको मैंने अपने घर में नहीं बिठाया, अब मैं ये भी बताने लगी कि ये खुदा की तरफ से एक जो है ना, अल्लाह कहता है कि जितने में रखा है ना उतने में रहे, मार अग्गे ना वध मतलब हम लोग जो है ना अपने औकात से आगे जाने की तैयारी ही करते रहते, नहीं करनी चाहिए जी। मैं हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की मैं गाऊँ, पर मैं समझती हूँ कि मैं हंसा बहुत अच्छा सकती हूँ, किसी को कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं एक्टिंग बड़ी अच्छी कर सकती हूँ, बट मैं गा नहीं सकती। अल्लाह ने जितनी सी भी प्रैक्टिस की थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, मैं कहने ही वाली थी ये कि फिर तो गाना लोग बाद में सुन रही हैं यार, एक ही गाने के ऊपर प्रैक्टिस की थी वो ही उसका हर चैनल पे सत्यानाश कर दी, और वो कहता होगा कि क्यों मैं इसको आया, हम चाहेंगे गाने को बल्कि आप क्या नाम है कुछ वैसे गाओ ना, लाइव भी तो हमें सुनाओ, रिकॉर्डिंग पता चला पहले आप सुनाए ना पहले, मतलब पहले आप सुनाए यार, मुझे उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस की और उसके बाद तो ना कोई यार मेरे घर में हमें भी एक ही गाना अगली में सुनो, उस्तादों ने कहा बस आज के बाद इसका नंबर ब्लॉक पे लगाओ, इसके सुर नहीं आ रहे हमारे जा रहे। हाँ सुनाए सुनाए तो सुनाए प्लीज उस्ताद जी, मुझे नहीं आता है ना, मैंने वो बताया, नहीं आई नो आई नो, गुनगुना दो कुछ भी गुनगुना दीजिए। प्यार ना लो प्यारे सजना, असी तेरे अके दिल हार सजना, प्यार ना लो प्यारे सजना,
असी तेरे अगे दिल हर सजना तुझे फड़ लवे बा मैं ते दूर होने जा अखियां सामने तू दिल दे विच भी तू भुलियां ते तेरा ना करीना किनारे सजना असी तेरे अगे दिल हर सजना वेरी नाइस संजना साहिब, अब जबरदस्त गाना गाया। अब हम पूछेंगे, हमारे साथ सिंगर भी मौजूद है, वो कैशिफ कैसा गाया है संजना साहिब ने? मुस्कुरा के बताऊंगी जैसे आप बहुत दिल अच्छा करे। नहीं नहीं यकीन माने बहुत अच्छा। और इन्होंने गाना भी बड़ा मुश्किल चूज किया है। हाँ देखे, वो जिनका इन्होंने गाना चूज किया है उनको तो गाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इन्होंने वो गाना चूज किया। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, गा के बताओ। मैं भी इन्हीं का सुनाऊंगा फिर आप जी, प्लीज सुनाइए इंशाल्लाह। हो पुल जवान सब हम दुनिया दे, हो पुल जवान सब हम दुनिया दे, जिनू प्यार करां जे नाल होवे, हो पुल जान सब हम दुनिया दे, ओए पुल जान सब हम दुनिया दे, सारी जिंदगी दिल दा चैन लभिया, चैन लभिया नी दुख मिल दे रे, तू मिलियो मिल के वक हूँ, ए हो रोग बलने दिल देने, और वाक ले जे नू चीर दाए, और वाक ले जे नू चीर दाए, मेरे दिल च जे तेरा ख्याल होवे, हो पुल जान सब हम दुनिया दे, पुल जान सब हम दुनिया दे। अच्छा संजना साहिब, वो जो अभी मेरा गाना सुन के काशी के सारे दांत बाहर निकल रहे, पहले तक नहीं मुझे पता चला था ऐसे दांत हैं, इसके दांत पूरे हैं। अच्छा संजना साहिब, मुझे तो लगता है कि जब आपके उस्ताद साहब आते होंगे आपको सिखाने के लिए, तो आप तो हंसा हंसा नहीं सुनाऊं उनके साथ भी क्या वाक्य आता था। सुबह सुबह आ जाते, मुझे उन्होंने बताया कि सुबह सुबह रियाज जो है ना, रियाज जो आपने बहुत जरूरी, मैं क्या करती थी अपने अपना बेडरूम और हॉल का दरवाजा बंद कर लेती थी, पहले नमाज पढ़ती थी उसके बाद बैठ जाती थी। मेरी बाजी मुझे कहती तू मर जा। मतलब कितनी देर प्रैक्टिस की वैसे? बाय द वे मैंने इतनी किया कि कसम से जिसके अंदर नहीं भी सुर होते वो भी आ जाते, और एड्डा कोई डब्बा है ना नहीं गला, इसमें मैं कहती मजाल है कोई कहीं सुराख हुआ कोई गला नहीं चिया, इसका मतलब ये अच्छा मैंने बोले मतलब क्या कहते हैं वो ऊपर के सुरों तक भी चली, मतलब एक सुर आ ही नहीं रहा, सारे गामा पादा नीसा सानी दलवा ननवर, मतलब इतने मुझे आइए क्या आप कहते हैं बैग लेके आते हैं मुझे लग रहा है आज सारा परफॉर्मिंग आर्ट जो है यही से हम सीखेंगे सिंगिंग। जी नाच अगर आपको सिंगिंग बहुत अच्छी सीखनी है तो प्लीज चंदन से रब्ता कीजिए, क्योंकि जो वो खुद नहीं कर सके इंशाल्लाह वो आपको भी नहीं करेंगे। एक्चुअली हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हर बंदे में एक टैलेंट होता है ना, तो वो टैलेंट हर किसी में नहीं हो सकता है ना, हर किसी अगर शी इज वेरी गुड एक्ट्रेस, मतलब इन्होंने जबरदस्त काम किया है, होस्ट बड़ा अच्छा करती है, लेकिन वो सिंगर नहीं बन सकती, हालांकि उन्होंने कोशिश भी की है बड़ी की, मैं कहती हूँ इतनी कोशिश की है या अल्लाह मुझे खुद ही की है, बहुत मुश्किल है, क्या बात है। मैंने वो इतनी तड़पी होगी ना उस दिन जिस दिन मैंने ये गाया था, अभी भी वो जन्नत के चक्कर ऐसे गुम्मन घेरिए ले रही हूँ। संदल तुझे तो आओ पर सबर प्रोग्राम के एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगी? अजी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जो आज के हालात हैं प्लीज बार बार हम आपको यही कहते हैं कि एहतियात कीजिए, और मैं आपको यही कहूंगी कि उन लोगों को देखिए जो इस वबा से अभी तक जो शिकार हो चुके हैं, अगर आप ये कहें कि मुझे नहीं या उसको नहीं, अल्लाह ना करे किसी को, अल्लाह ना करे किसी को,
बाहर जिंदगी है तो बार बार मैं यही कहूंगी, जिंदगी है तो आप सब कुछ करेंगे, जिंदगी नहीं तो आपकी कहानी खत्म, आपका नाम दुनिया से खत्म, ना आपने वापिस आना है और ना ही आपको जिंदगी दोबारा दुनिया नजर आनी है। जो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है इसको इतने हसीन बनाइए और इस तरीके से के लोग भी उस जिंदगी को जी सके, बस मैं यही कहूंगी एहतियात कीजिए जितनी हो सके। थैंक यू सो मच सरदा साहिबा, और आपको स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से भी, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग इतना हंस रहे थे। खुश होने से भी आपकी एनर्जी लेवल जो होता है बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा पॉजिटिव एनवायरमेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपने चार चांद लगाए हमारे शो में। आयशा क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, और वही वाली बात के एहतियात जरूर कीजिए, सीरियस लीजिए और दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और इस जो है ऐसे प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अच्छा अपने लिए भी सोचिए और दूसरों के लिए भी सोचिए, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे किसी के लिए तो अल्टीमेटली वो आपके साथ भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका अजर आपको अल्लाह जरूर देगा। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो है मायूसी हम हो जाते हैं, मायूस अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन वो मायूसी मैंने जो है रियलाइज किया है कि वो मायूसी इसलिए होती है हम एक्सपेक्टेशन लोगों से लगा रहे होते हैं कि ये काम मेरा नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, ये मुझे ये मिला नहीं है, ऐसे नहीं। और अगर हम जो है ये सोचना शुरू कर देना भी उस रब की मर्जी है, वो नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम किस मतलब क्या उसके आगे कर सकते हैं। ट्रू, तो प्लीज जो है ना पॉजिटिव रहिए, खुदा से भरपूर उम्मीद लगाए रखिए, क्योंकि उसके अलावा ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। तो बस आप ये कर सकते हैं कि दुआ करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और दूसरों के लिए आयशा थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रही हैं उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। माइदा क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले थैंक यू आपने इनवाइट किया। अदर दिन दिस मैं ये कहना चाहूंगी दो तरह की नेकी होती है, एक अगर बंदों के दरमियान में होना तो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। दूसरी नेकी ये होती है एक बंदे और कौमों के बीच में होती है, दिखाकर नेकी करो। जी दोबारा बोलो। दो तरह की नेकी होती है, एक नेकी बंदों के दरमियान में होती है एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, दूसरी नेकी कौमों के दरमियान में होती है, दिखाकर नेकी करो कि हाँ मैं नेकी करना करने निकला हूँ, तुम कर सकते हो तो करो, दूसरों को मोटिवेट करो। अभी हम लोग इस सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग को अच्छे काम करने हैं, पॉजिटिव वाइब स्प्रेड आउट करने हैं, अवेयरनेस देनी है, नेकी के काम करने हैं, सो इसको गलत सेंस में ना लें कि आप लोग दिखावे के लिए काम करें। यही मेरा थैंक यू सो मच माइदा एंड बेस्ट ऑफ लक जो आप काम करिए, जो आपके साथ लोग मुंसलिक हैं, उन तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस। जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बड़े लोग हैं, जो जो भी लोग आपके साथ काम करें, जो डोनेट करेंगे, ब्लड दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस और बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा चेंज आ रहा है दुनिया में, बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप लोगों का इसी तरह से रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव लोग रहेंगे तो नेगेटिविटी खुद ही कम हो जाएगी। हम जी काशिफ से भी मैसेज लेंगे, काशिफ क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जैसे कि मैडम ने कहा कि हम ये हालात जिस वक्त चल रहे हैं ना जी, तो इसमें यही है कि हम सब अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, ठीक है। और कुछ देखिए, ये सबसे पहले जब ये सोशल मीडिया पे आया था कोरोना वायरस, तो इटली में सबसे ज्यादा इसका जो है ना मजाक बनाया गया था, और सबसे ज्यादा आया भी वहीं पे, केसेस वहां पे सबसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसका मजाक ना बनाएं, ना कुछ ऐसा सोचें कि डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं, वो फलां ऐसा कर रहे हैं, तो बेहतर ये कि जी पॉजिटिव सोचें और अपना घर में रहें, बस अल्लाह खैर सला। थैंक यू सो मच मोहम्मद काशिफ, आपका और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मैसेज दिया है, क्योंकि बहुत से लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। प्रोग्राम के एंड पे हम मोहम्मद काशिफ